हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है कांतारा जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है मिस्टिकल फॉरेस्ट यानी कि रहसमय जंगल कांतारा फिल्म के रिगार्डिंग मैं सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं। इस फिल्म का कन्नड़ा तमिल तेलुगु मलयालम और हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग मिलने वाली है इसी के साथ फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर आपको प्रॉपर चर्चा करके बताने वाला हूँ इस फिल्म के का सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक सर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते है कांतारा जो दो हजार के इंडियन कन्नडा लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को कन्नडा लैंग्वेज में बनाया गया था बाकी सभी वर्जन में डब करके थिएटर में रिलीज किया गया था इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है एक कन्नडा लैंग्वेज मीडियम टू लो बजट फिल्म थी जिसको सिर्फ कर्नाटक में रिलीज किया गया था कन्नड़ा वर्जन में और उसके बाद में फिल्म ने जैसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया तो ये फिल्म डे बाय डे बेहतरीन कलेक्शन करती हुई नज़र आई थी कर्नाटक बॉक्स ऑफिस के ऊपर उसके बाद में ये फिल्म दूसरे रीजन दूसरे लैंग्वेज में फेमस होने लग गई लोगों के बीच में जिस वजह से इस फिल्म के दूसरे अलग अलग वर्जन जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम वर्जन के लिए मांग की गई और बाद में मेकर्स ने इस फिल्म को दूसरे वर्जन में डब करते हुए थिएट्रिकल रिलीज़ के करीब 10-15 दिनों के बाद दूसरे सभी वजन को रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है ऋषभ शेट्टी ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले सभी उनका है फिल्म का डायरेक्शन भी ऋषभ शेट्टी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात कर तो विजय किरंग दुर जिन्होंने इस फिल्म को हम्बाले फिल्म के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने इससे पहले के और के जी जैसी फिल्मों को रिलीज़ किया हुआ था तो एक एक बड़े प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को करीबन सोलह करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के जो का कन्नाडा कर, वर्जन के जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है वो हम्बाले फिल्म ने अपने ही पास रखे हुए थे वहीं पे दूसरे सभी वर्जनस के लिए इस फिल्म के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए ए फिल्म्स थी तेलुगु वर्जन के लिए गीताट्स मलयालम वर्जन के लिए पृथ्वीराज प्रोडक्शन तमिल वर्जन के लिए ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स तो ये चार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जिन्होंने इन चार डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो ऋषभ सेट्टी सप्तमी गौडा रोल में देखने को मिलेंगे किशोर अच्युत कुमार प्रमोद सेट्टी सनील गुरु प्रकाश सुमिन नांद आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे इनके अलावा मानसी सुधीर नवीन डी पाटिल स्वराज शेट्टी दीपक राज पन्नाजे प्रदीप सेट्टी रक्षित रामचंद्रन शेट्टी चंद्रकला राव पुष्पक राज बोलारा रघु पंडेश्वर राव पुष्पक राज बोलुरु मीम रामदास मासुमा कडगु रंजन साजू राजीव शेट्टी आतिश सेट्टी राधा कृष्णा कुम्बाले और नवीन बोंडेले ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे साइन सेट्टी विनय बिडप्पा और प्रगति ऋषभ शेट्टी आपको इस फिल्म में कैम्यूपीरियंस में, में देखने को मिलने वाली है तो ये फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी किए हुए अरविंद एस कश्यप ने एडिटिंग किए हुए के एम प्रकाश और प्रतीक सेट्टी ने जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म ढाई घंटे की देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में बी अजनीश लोकनाथ ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म की कहानी को कोविड टाइम के दौरान लिखा हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि नेचर और ह्यूमन के बीच की थीम को लेकर हम एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट बना रहे पहले इस फिल्म को स्पेशली कर्नाटक के लिए ही बनाया गया था कनाडा वर्जन के लिए लेकिन जिस तरह से फिल्म पॉपुलर हुई उस वजह से दूसरी लैंग्वेज इसमें फिल्म को डब किया गया था जहाँ पर इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती जो संस्कृत ओरिजिन है इसके अलावा इस फिल्म में कनाडा को यूज़ किया गया जो अलग अलग होस्टल कर्नाटक है वहाँ का जो एक त्यौहार है उसके ऊपर फिल्म को दिखाया हुआ है इसके अलावा भूता कोला जो होता है उसके ऊपर सभी चीज़ों को फिल्म में दिखाया हुआ है तो इन सभी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को नाइन्टी सेवेंटी नाइन्टी नाइन्टीज नाइन्टी नाइन्टीज़ के एट्टीन नाइन्टी इन सभी चीज़ों के बीच में इन सभी टाइमलाइन के बीच में बताया हुआ है तो जिस वजह से इस फिल्म में आपको काफी अलग अलग लोकेशंस देखने को मिलते हैं अलग अलग कॉस्ट्यूम डिजाइन देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके से सेट डिज़ाइन देखने को मिलेंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अट्ठारह से लेकर उन्नीस तक यानी कि 100 सालों का समय अंतरार फिल्म में अलग अलग टाइम पे दिखाया हुआ है तो फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक विलेज में शूट किया हुआ था केराड़ी विलेज के पास में कुछ पंद्रह लोगों को क्र्यू था जहाँ पे इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें म्यूजिक के ऊपर तो इस फिल्म में टोटल छः गाने हैं, जहां पे इन छः गानों को जैसे कि तुल्लु वर्जन भी इसमें शामिल है इसके राइट से वो हम्बाले म्यूजिक और ए फिल्म्स वालों ने खरीदे हुए थे वहीं पे कन्नडा तमिल तेलुगु मलयालम सभी वर्जन में इन गानों को डब किया हुआ था जिसको कंपोज किया हुआ था बेदनी शलोकनाथ ने इस फिल्म के गानों के लिए तीस से चालीस म्यूजिशियन का यूज़ किया गया था ये सभी गाने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ जा रहे थे जहाँ पे दो में इनको रिकॉर्ड किया गया था पंद्रह अगस्त दो को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था तो वहाँ से अपनी एक कर पाओगे वहीं पे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के के कैरेक्टर्स ऊपर तो ऋषभ शेट्टी ने कडो शिवा और शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है सत्यवनी गौड़ा ने इस फिल्म में लीला का रोल प्ले किया हुआ है किशोर ने मुरलीधर का रोल प्ले किया हुआ था तो जो डिप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे अच्युत कुमार ने देव तो देवेंद्र सुतारू का रोल प्ले किया हुआ है प्रमोद शेट्टी ने सुधाकर का रोल प्ले किया हुआ है सानिल गुरु ने बुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश थुमिनान ने इस फिल्म में रामपा का रोल प्ले किया हुआ है मानसी सुधीर ने कमला यानी कि सेवा की मां का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नवीन डी पाडिल ने इस फिल्म में लोयर का रोल प्ले किया हुआ है सौराज शेट्टी ने गुरुआ का रोल प्ले किया हुआ था जो शिवा के कजिन ब्रदर थे वहीं पर दीपक राय पाना जाने इस फिल्म में सुंदरा का रोल प्ले किया हुआ था प्रदीप शेट्टी ने मोहाना का रोल प्ले किया हुआ था इस तरह से सभी आर्टिस्ट ने अलग अलग रोल को प्ले किया हुआ था कहानी के ऊपर बातचीत करते इस फिल्म की कहानी 1847 से स्टार्ट होती है जहाँ पे कुडुंगपुर विलेज में कहानी को सेट किया हुआ है कर्नाटक का एक विलेज है जहाँ का एक किंग है अपने एरिया का जो एक किंग है वो अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं है उसकी लाइफ में कोई शांति पीस नहीं है तो इन सभी चीज़ों के लिए वो काफ़ी रास्ते में निकल पड़ता है ढूंढने के लिए तो किसी एक दिन उसको एक जंगल में जाके एक ऐसी चीज़ एक शांति मिलती है जिसकी वजह से कुछ ऐसे उस शांति की वजह से वो गांव वालों के साथ कुछ ऐसी डील करता है जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है जो गांव का एरिया है वो उनको गांव वालों को दे देगा उसके बदले वो उसको वो पीस मिल जाएगी तो इन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से उन्होंने किया जिस वजह से उनको वो पीस मिल गई शांति मिल गई उसके बाद में नाइन्टीज़ का समय बताया जाता है जहाँ पे किंग का जो बेटा है यानी कि उनके जो वंशज हैं वो ज़मीन को फिर से हत्याने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो बाद में मर जाता है उसके बाद में एक और किंग के वंशज को बताया जाता है जिसको काफ़ी अच्छा इंसान बताया जाता है जहाँ पे वो कहानी है वो नाइन्टीन नाइन्टीज में सेट है और उस नाइन्टीन नाइन्टीज़ की कहानी में रिषभ सेट्टी आपको देखने को मिले मिलेंगे जिन्होंने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है और उस जगह पे काफ़ी सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हो रही है जहाँ पे गांव वाले पुलिस के सामने रिवोल्ट लेके खड़े हुए यानी कि विद्रोह करके खड़े हुए लेकिन उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है मोटिव क्या है वो सभी चीज़ें अलग हैं तो इस फिल्म में काफ़ी सारे लेयर्स देखने को मिलते हैं जो कहानी है उसके अंदर भी काफ़ी लेयर्स है तो उन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर एक्टर सभी रिषभ सेट्टी हैं शिवा के रोल में वो काफ़ी दमदार नजर आ रहे थे उन्होंने एक परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई इमोशनली से लेकर एक्शन सीक्वेंस तक थ्रू आउट द फिल्म उनका काम पसंद आएगा कॉमेडी टाइमिंग फिल्म में काफ़ी बढ़िया है एक करोड़ रिक का आपको वातावरण देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है वो बढ़िया है इनिशियल पहला जो एक घंटा रहता है वहाँ पे कॉमेडी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है क्लाइमेक्स में जो रक्सरी सबसे टिका जो परफॉर्मेंस है वो आपको स्पीचलेस कर देगा जहाँ पे एक फाइट सीक्वेंस जो क्लाइमेक्स पोशन में सेट किया हुआ है वो आपका दिमाग घुमा देगा फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता रहता है जहाँ पे कोई भी स्लो मोमेंट देखने को नहीं मिलता है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी अच्छी थी अरेस्टिंग विजुअल थे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में कुछ फनी सीन्स क्रिएट किए हुए ऋषभ शेट्टी और उनकी गेंग के साथ वो अच्छा कॉमेडी क्रिएट करते लव ट्रेक है ऋषभ शेट्टी सप्तमी गौड़ा का उसको रिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम क्या हुआ है उनके पार्ट का उन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है। इसके अलावा अच्युत कुमार, कुमार जैसे था जस्टिफाई करते हुए है, है। आपको देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा फिल्म की जो प्रोसीडिंग है एंटायर प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूँ वो रोम इनर में की गई है वो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म में आपको काफी ज्यादा गुस्स मोमेंट्स बम्प वाले मोमेंट्स देखने को मिलते हैं एक मास मोमेंट्स के साथ दिखाए हुए फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पे भी ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस फिल्म को जिस तरह फर्स्ट हाफ में हैंडल किया होता है उसके बाद में जब फिल्म सेकंड हाफ़ में आती है तो थोड़ी डल हो जाती है थोड़े समय के लिए लेकिन वो थोड़े समय के लिए रहता है बाकी उसके बाद ये फिल्म फिर से पिकअप ले लेती है और क्लाइमेक्स आपको ज़रूर पसंद आएगा ओवरऑल फिल्म आपको थोड़ी बहुत प्रिडिक्टेबल लग सकती है लेकिन इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि वो उतना कुछ मैटर नहीं करता है ये फिल्म पूरी तरह से आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म को जरूर पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था थोड़ा लव स्टोरी वाला एंगल है थोड़े कुछ अननेसेसरी सीन्स है फ्रेंड्स के बीच के उसको चॉप आउट किए जा सकते थे वैसे टेक्निकली ये फिल्म काफ़ी ब्रिलियंट है जहाँ पे इस फिल्म का म्यूजिक है वो काफ़ी शानदार है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे जिस तरह जो सीन थे उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से और इफ़ेक्टिव बना रहा था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है किसी बिग बजट फिल्म को भी पीछे छोड़ दे इस तरह की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म में विजुअल्स आपको जरूर पसंद आएंगे हर एक फ्रेम को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है रस्टिक नेचर देखने को मिलता है सभी चीज़ों को सिनेमेटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है विलेज और फॉरेस्ट के लोकेस काफी रियलिस्टिक रखा हुआ है रिशभ सेट्टी का जो डरेक्शन है वो काफ़ी बढ़िया है उन्होंने फर्स्ट को इंटरेस्टिंग मैनर ने किया स्टार्टिंग में ठीक ठीक फिल्म थी उसके बाद में एंड में तो उनका ही परफॉर्मेंस फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है इस फिल्म में आपको कर्नाटक का जो ट्रेडिशन है कल्चर है वो कोस्टल कर्नाटक का दक्षिण कर्नाटक का वो देखने को मिलता है जिसको बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है सभी को ये सभी चीजें पसंद आएगी तो कांतारा क्रस्टिक विले ड्रामा फिल्म है जो सभी टाइप की ऑडियंस को पसंद आएगी जहाँ पे ग्रीटिंग मैनर का नेरेशन आपको जरूर इम्प्रूव करेगा इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से जो वो सभी मोमेंट है वो सभी चीजें हैं जिसका मिश्रण बैलेंस वे में किया हुआ है जिस वजह से फिल्म सभी को पसंद आएगी इस फिल्म के अब रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते हैं तीस सितंबर 2022 को इस फिल्म को कन्नडा वर्जन में रिलीज किया गया था 16 करोड़ के बजट के साथ उसके बाद में इस फिल्म को करीबन 10-15 दिनों के बाद 14 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में वहीं पे 15 अक्टूबर को तेलुगु और तमिल वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था वहीं पे मलयालम वर्जन है उसको 20 अक्टूबर 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था हिंदी वर्जन को जब रिलीज़ किया गया तब करीबन पूरे कंट्री में हिंदी वर्जन के आठ के करीब स्क्रीनस लगे हुए थे लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया उसके चलते फिल्म के स्क्रीन्स पच्चीस से तीन तक कर दिए गए थे इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर ए फिल्म थे वहीं पर तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर गीता थे वहीं तमिल डिस्ट्रीब्यूटर ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थे और पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने तमिलनाडु मलयालम वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को रिलीज किया गया काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे इस फिल्म ने बुक माय शो के ऊपर 99% परसेंट की रेटिंग हासिल की हुई थी 60000 वोट पे और ऐसा होने वाली यह फिल्म पहली फिल्म थी उस वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को आईएमडी पे करीबन तीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें नौ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करते हुए धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने स्लो स्टार्ट लिया हुआ था सिर्फ कनाड़ा वर्जन में फिल्म को रिलीज किया गया था साढ़े करोड़ के आसपास का पहले दिन का कलेक्शन आया था उसका अगर ग्रोथ कर तो छः करोड़ के आसपास का होता है उसके बाद में इस फिल्म का जो वीकेंड था वो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था उसके बाद में इस फिल्म ने पहले मंडे के दिन चार करोड़ का कलेक्शन किया उसके बाद में डे बाय डे फिल्म ने ग्रोथ लेता रहा छठे दिन फिल्म ने करीबन आठ से नौ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पहला वीक काफ़ी बढ़िया तरीके से 40-45 करोड़ का लिया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म डे बाय डे कलेक्शन बढ़ाती रही उसके बाद में 10-15 दिनों के बाद इसके सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा वर्जन भी एड होते गए जिसकी वजह से ये फिल्म 15-16 करोड़ के बजट के सामने सत्रह अठारह दिनों में एक करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करती हुई नज़र आई जहाँ पर एक ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने कन्नड़ा वर्जन में कन्नड़ा लैंग्वेज में हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में जो लिस्ट है उसमें अपना ऊपर के टॉप की लिस्ट में एंट्री ले ली थी जहां पे इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से दूसरे वर्जन में भी कलेक्शन किए हुए जहां पे हिंदी वर्जन तेलुगु वर्जन खास करके बढ़िया वर्क कर गए जहाँ पे हिंदी वर्जन को एक दिन पहले रिलीज किया गया था तो उस वर्जन ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था हिंदी वर्जन में फिल्म को वैसे डिसेंट स्क्रीन दिए गए थे एक डिसेंट हाइप थी पहले दिन करीबन रिसप सेटी ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं था हिंदी मार्केट में लेकिन उसके बावजूद पहले दिन फिल्म ने करीबन एक करोड़ सत्ताईस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन दो करोड़ पचहत्तर लाख का किया हुआ था संडे के दिन फिल्म ने तीन करोड़ पचास लाख का ग्रोस कलेक्शन किया साढ़े सात करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन सॉरी नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में एक अच्छा खासा कलेक्शन किया <laughs> वहीं पे तेलुगु वर्जन में इस फिल्म ने पहले दिन कुछ साढ़े चार करोड़ के आसपास दूसरे दिन कुछ पाँच करोड़ के आसपास इसे कलेक्शन करते हुए दस करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन किया और दो ही दिनों में इस फिल्म ने डबल ब्लॉक बस्टर का टेग हासिल कर लिया क्योंकि ब्रेक इवन टारगेट बहुत कम रखा गया था तो उस वजह से कांतारा फिल्म हिंदी और तेलुगु वर्जन में भी अच्छी तरह से वर्क कर गई और फिलहाल में वो मंडे टेस्ट भी पास कर चुकी है तो ये फिल्म और भी लंबा रन लेने वाली है सभी वर्जन में और सामने दिवाली आ रही है तो ये फिल्म अच्छा खासा एक ग्रोथ हासिल करेगी और एक अच्छा खासा कलेक्शन करके जाएगी करीबन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस फिल्म का 200 करोड़ के आसपास का हो सकता है तो बस गाइज कांतारा फिल्म काफ़ी बढ़िया वर्क कर चुकी है तो ये फिल्म आप कहाँ पे कैसे सेटेलाइट ओटीटी पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए सभी वर्जनस के करीबन साठ से सत्तर करोड़ के आसपास में तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रन के बाद अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तेलुगू तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहाँ पे कन्नडा मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है उसके थिएट्रिकल रिलीज के करीबन छः सात महीनों के बाद ये सभी वर्जनस आपको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टीवी चैनल मूवीज टी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे टेलीविजन के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कांतारा फिल्म आपको ओ पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी थिएट्रिकल

जिसको सिर्फ कर्नाटक में रिलीज़ किया गया था कन्नड़ा वर्जन में और उसके बाद में फ़िल्म ने जैसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया तो ये फिल्म डे बाय डे बेहतरीन कलेक्शन करती हुई नज़र आई थी कर्नाटक बॉक्स ऑफिस के ऊपर उसके बाद में ये फिल्म दूसरे रीजन दूसरे लैंग्वेज में फेमस होने लग गई लोगों के बीच में जिस वजह से इस फिल्म के दूसरे अलग अलग वर्ज़न जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम वर्जन के लिए मांग किए गए और बाद में मेकर्स ने इस फिल्म को दूसरे वर्जन में डब करते हुए थिएट्रिकल रिलीज़ के करीब 10-15 दिनों के बाद दूसरे सभी वजन को रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है ऋषभ शेट्टी ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले सभी उनका है फिल्म का डायरेक्शन भी ऋषभ शेट्टी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात कर तो विजय किरंग दुर जिन्होंने इस फिल्म को हम्बाले फिल्म के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने इससे पहले के और के जी जैसी फिल्मों को रिलीज़ किया हुआ था तो एक एक बड़े प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को करीबन सोलह करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के जो का कन्नाडा वर्जन के जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है वो हम्बाले फिल्म ने अपने ही पास रखे हुए थे वहीं पे दूसरे दूसरे सभी वर्जनस के लिए इस फिल्म के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए ए फिल्म्स थी तेलुगु वर्जन के लिए गीताट्स मलयालम वर्जन के लिए पृथ्वीराज प्रोडक्शन तमिल वर्जन के लिए ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स तो ये चार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जिन्होंने इन चार डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो ऋषभ सेट्टी सप्तमी गौडा रोल में देखने को मिलेंगे किशोर अच्युत कुमार प्रमोद सेट्टी सनील गुरु प्रकाश सुमिन नांद आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे इनके अलावा मानसी सुधीर नवीन डी पाटिल स्वराज शेट्टी दीपक राज पन्नाजे प्रदीप सेट्टी रक्षित रामचंद्रन शेट्टी चंद्रकला राव पुष्पक राज बोलारा रघु पंडेश्वर राव पुष्पक राज बोलुरु मीम रामदास मासुमा कडगु रंजन साजू राजीव शेट्टी आतिश सेट्टी राधा कृष्णा कुम्बाले और नवीन बोंडेले ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे साइन सेट्टी विनय बिडप्पा और प्रगति ऋषभ शेट्टी आपको इस फिल्म में कैमियो अपीरेंस में देखने को मिलने वाली है तो ये फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए अरविंद एस कश्यप ने एडिटिंग किए हुए के एम प्रकाश और प्रतीक सेट्टी ने जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म ढाई घंटे की देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में बी अजनीश लोकनाथ ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म की कहानी को कोविड टाइम के दौरान लिखा हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि नेचर और ह्यूमन के बीच की थीम को लेकर हम एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट बना रहे पहले इस फिल्म को स्पेशली कर्नाटक के लिए ही बनाया गया था कनाडा वर्जन के लिए लेकिन जिस तरह से फिल्म पॉपुलर हुई उस वजह से दूसरी लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती जो संस्कृत ओरिजिन है इसके अलावा इस फिल्म में कनाडा को यूज़ किया गया है जो अलग अलग कोस्टल कर्नाटक है वहाँ का जो एक त्यौहार है उसके ऊपर फिल्म को दिखाया हुआ है इसके अलावा भूता कोला जो होता है उसके ऊपर सभी चीज़ों को फिल्म में दिखाया हुआ है तो इन सभी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को नाइन्टी सेवेंटी नाइन्टी नाइन्टीज़ 90s नाइन्टीज़ के एट्टी नाइन्टी इन सभी चीज़ों के बीच में इन सभी टाइमलाइन के बीच में बताया हुआ है तो जिस वजह से इस फिल्म में आपको काफ़ी अलग अलग लोकेशंस देखने को मिलते हैं अलग अलग कॉस्ट्यूम डिजाइन देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके से सेट डिज़ाइन देखने को मिलेंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अट्ठारह से लेकर उन्नीस तक यानी कि 100 सालों का समय अंतरार फिल्म में अलग अलग टाइम पे दिखाया हुआ है तो फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक विलेज में शूट किया हुआ था केराड़ी विलेज के पास में कुछ पंद्रह लोगों को क्र्यू था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें म्यूजिक के ऊपर तो इस फिल्म में टोटल छः गाने हैं। जहाँ पे इन छः गानों को जैसे कि तुल्लु वर्जन भी इसमें शामिल है इस चीज़ के राइट से वो हम्बाले म्यूजिक और ए फिल्म्स वालों ने ख़रीदे हुए थे वहीं पे कन्नडा तमिल तेलुगू मलयालम सभी वर्जन में इन गानों को डब किया हुआ था जिसको कंपोज़ किया हुआ था बेदनी शोकनाथ ने इस फिल्म के गानों के लिए तीस से चालीस म्यूजिशियन का यूज़ किया गया था ये सभी गाने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ जा रहे थे जहाँ पे दो में इनको रिकॉर्ड किया गया था पंद्रह अगस्त दो को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे सभी वर्जन में अवेलेबल क्या हुआ था तो वहाँ से आप एंजॉय कर पाओगे वहीं पे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कैरेक्टर्स के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी ने काडो शिवा और शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है सत्यमणि गौडा ने इस फिल्म में लीला का रोल प्ले किया हुआ है किशोर ने मुरलीधर का रोल प्ले किया हुआ था जो डिप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे अच्युत कुमार ने देवंत तो देवेंद्र सुतारू का रोल प्ले किया हुआ है प्रमोद शेट्टी ने सुधाकर का रोल प्ले किया हुआ है सानिल गुरु ने बुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश थुमिनान ने इस फिल्म में रामपा का रोल प्ले किया हुआ है मानसी सुधीर ने कमला यानी कि सेवा की मां का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नवीन डी पाडिल ने इस फिल्म में लोयर का रोल प्ले किया हुआ है सौराज शेट्टी ने गुरुआ का रोल प्ले किया हुआ था जो शिवा के कजिन ब्रदर थे वहीं पर दीपक राय पानाजा ने इस फिल्म में सुंदरा का रोल प्ले किया हुआ था प्रदीप शेट्टी ने मोहाना का रोल प्ले किया हुआ था इस तरह से सभी आर्टिस्ट ने अलग अलग रोल को प्ले किया हुआ था कहानी के ऊपर बातचीत करके इस फिल्म की कहानी 1847 से स्टार्ट होती है जहाँ पे कुडुंगपुर विलेज में कहानी को सेट किया हुआ है कर्नाटक का एक विलेज है जहाँ का एक किंग है अपने एरिया का जो एक किंग है वो अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं है उसकी लाइफ में कोई शांति पीस नहीं है तो इन सभी चीज़ों के लिए वो काफ़ी रास्ते में निकल पड़ता है ढूंढने के लिए तो किसी एक दिन उसको एक जंगल में जाके एक ऐसी चीज़ एक शांति मिलती है जिसकी वजह से कुछ ऐसे उस शांति की वजह से वो गांव वालों के साथ कुछ ऐसी डील करता है जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है जो गांव का एरिया है वो उनको गांव वालों को दे देगा उसके बदले वो उसको वो पीस मिल जाएगी तो इन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से उन्होंने किया जिस वजह से उनको वो पीस मिल गई शांति मिल गई उसके बाद में नाइन्टीज का समय बताया जाता है जहाँ पे किंग का जो बेटा है यानी कि उनके जो वंशज हैं वो ज़मीन को फिर से हत्याने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो बाद में मर जाता है उसके बाद में एक और किंग के वंशज को बताया जाता है जिसको काफ़ी अच्छा इंसान बताया जाता है जहाँ पे वो कहानी है वो नाइन्टीन नाइन्टीज में सेट है और उस नाइन्टीन नाइन्टीज़ की कहानी में रिषभ सिट्टी आपको देखने को मिले मिलेंगे जिन्होंने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है और उस जगह पे काफ़ी सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हो रही है जहाँ पे गांव वाले पुलिस के सामने रिवोल्ट लेके खड़े हुए यानी कि विद्रोह करके खड़े हुए लेकिन उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है मोटिव क्या है वो सभी चीज़ें अलग हैं तो इस फिल्म में काफ़ी सारे लेयर्स देखने को मिलते हैं जो कहानी है उसके अंदर भी काफ़ी लेयर्स है तो उन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर एक्टर सभी रिषभ सेट्टी है सिवा के रोल में वो काफ़ी दमदार नजर आ रहे थे उन्होंने एक परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई इमोशनल से लेकर एक्शन सीक्वेंस तक थ्रू आउट द फिल्म उनका काम पसंद आएगा कॉमेडी टाइमिंग फिल्म में काफ़ी बढ़िया है एक और रस्टिक का आपको वातावरण देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है वो बढ़िया है इनिशियल पहला जो एक घंटा रहता है वहाँ पर कॉमेडी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है क्लाइमेक्स में जो रक्सरी रक्स टीका जो परफॉर्मेंस है वो आपको स्पीचलेस कर देगा जहाँ पे एक फाइट सीक्वेंस जो क्लाइमेक्स पोशन में सेट किया हुआ है वो आपका दिमाग घुमा देगा फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता रहता है जहाँ पे कोई भी स्लो मोमेंट देखने को नहीं मिलता है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी अच्छी थी अरेस्टिंग विजुअल थे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में कुछ फनी सीन्स क्रिएट किए हुए ऋषभ सेट्टी और उनकी गेंग के साथ वो अच्छा कॉमेडी क्रिएट करते हैं लव ट्रैक है ऋषभ सेट्टी सप्तमी गौड़ा का उसको रिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम क्या हुआ है उनके पार्ट का उन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है इसके अलावा अच्युत कुमार कुमार किशोर जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं जिनको एक अच्छा खासा रोल दिया गया था अपने रोल के साथ पूरी तरह से वो जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं काफी हाई है सोलिड है जिसको आपको देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा फिल्म की जो प्रोसीडिंग है एंटायर प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूँ वो रो मिनर में की गई है वो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म में आपको काफी ज्यादा घुस मोमेंट्स बम वाले मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जो एक मास मोमेंट्स के साथ दिखाए हुए फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पे भी ये सभी चीजें देखने को मिलती है जो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ में हैंडल किया हुआ था उसके बाद में जब फिल्म सेकंड हाफ में आती है तो थोड़ी डल हो जाती है थोड़े समय के लिए लेकिन वो थोड़े समय के लिए रहता है बाकी उसके बाद ये फिल्म फिर से पिकअप ले लेती है और क्लाइमेक्स आपको जरूर पसंद आएगा ओवरऑल फिल्म आपको थोड़ी बहुत प्रेडिक्टेबल लग सकती है लेकिन इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि वो उतना कुछ मैटर नहीं करता है ये फिल्म पूरी तरह से आपको ज़रूर पसंद आएगी इस फिल्म को ज़रूर पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था थोड़ा लव स्टोरी वाला एंगल है थोड़े कुछ अननेसेसरी सीन्स है फ्रेंड्स के बीच है उसको चॉप आउट किए जा सकते थे वैसे टेक्निकली ये फिल्म काफी ब्रिलियंट है जहाँ पे इस फिल्म का म्यूजिक है वो काफ़ी शानदार है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे जिस तरह जो सीन थे उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से और इफ़ेक्टिव बना रहा था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है किसी बिग बजट फिल्म को भी पीछे छोड़ दे इस तरह की सीनेमेटोग्राफी देख देखने को मिलते हैं फिल्म में विजुअल्स आपको जरूर पसंद आएंगे हर एक फ्रेम को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है रस्टिक नेचर देखने को मिलता है सभी चीजों को ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है विलेज और फॉरेस्ट के लोकेशन को काफी रियलिस्टिक रखा हुआ है रिसभ सेट्टी का जो डिरेक्शन है वो काफ़ी बढ़िया है उन्होंने फर्स्ट आपको इंटरेस्टिंग में नेरेट किया हुआ सेकंड आपने स्टार्टिंग में ठीक ठीक फिल्म थी उसके बाद में एंड में तो उनका ही परफॉर्मेंस फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है इस फिल्म में आपको कर्नाटक का जो ट्रेडिशन है कल्चर है वो कोस्टल कर्नाटक का दक्षिण कर्नाटक का वो देखने को मिलता है जिसको बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है सभी को ये सभी पसंद आएगी तो का। है क्रस्टिक विले ड्रामा फिल्म है जो सभी, सभी, सभी चीजें है जिसका मिश्रण बैलेंस वे में किया हुआ है जिस वजह से फिल्म सभी को पसंद आएगी इस फिल्म के अब रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते हैं तीसरे सप्टेम्बर दो को इस फिल्म को कनाडा वर्जन में रिलीज किया गया था सोलह करोड़ के बजट के साथ उसके बाद में इस फिल्म को करीबन 10-15 दिनों के बाद 14 अक्टूबर को हिंदी वर्ज़न में वहीं पे 15 अक्टूबर को तेलुगु और तमिल वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था वहीं पे मलयालम वर्ज़न है उसको 20 अक्टूबर 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था हिंदी वर्जन को जब रिलीज़ किया गया तब करीबन पूरे कंट्री में हिंदी वर्जन के आठ के करीब स्क्रीन्स लगे हुए थे लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया उसके चलते फिल्म के स्क्रीन पच्चीस से तीन तक कर दिए गए थे इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर ए फिल्म थे वहीं पर तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर गीता आठ थे वहीं तमिल डिस्ट्रीब्यूटर ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थे और पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने मलयालम वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को रिलीज किया गया काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे इस फिल्म ने बुक माय शो के ऊपर 99% की रेटिंग हासिल की हुई थी 60000 वोट पे और ऐसा होने वाली यह फिल्म पहली फिल्म थी उस वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को आईएमडी पे करीबन तीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें नौ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करते हुए धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने स्लो स्टार्ट लिया हुआ था सिर्फ कन्नड़ा वर्जन में फिल्म को रिलीज किया गया था साढ़े करोड़ के आसपास का पहले दिन का कलेक्शन आया था उसका अगर ग्रोथ करें तो छः करोड़ के आसपास का होता है उसके बाद में इस फिल्म का जो वीकेंड था वो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था उसके बाद में इस फिल्म ने पहले मंडे के दिन चार करोड़ का कलेक्शन किया उसके बाद में डे बाय डे फिल्म ने ग्रोथ लेता रहा छठे दिन फिल्म ने करीबन आठ से नौ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पहला वीक काफ़ी बढ़िया तरीके से 40-45 करोड़ का लिया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म डे बाय डे कलेक्शन बढ़ाती रही उसके बाद में 10-15 दिनों के बाद इसके सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलगू मलयालम कन्नड़ा वर्जन भी एड होते गए जिसकी वजह से ये फिल्म 15-16 करोड़ के बजट के सामने सत्रह अठारह दिनों में एक करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करती हुई नजर आई जहाँ पर एक ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने कन्नड़ा वर्जन में कन्नड़ा लैंग्वेज में हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में जो लिस्ट है उसमें अपना अव्वल ऊपर उप के टॉप ट की लिस्ट में एंट्री ले ली थी जहां पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से दूसरे वर्जन में भी कलेक्शन किए हुए जहाँ पे हिंदी वर्जन तेलुगु वर्जन खास करके बढ़िया वर्क कर गए जहां पे हिंदी वर्जन को एक दिन पहले रिलीज किया गया था तो उस वर्जन ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था हिंदी वर्जन में फिल्म को वैसे डिसेंट स्क्रीन दिए गए थे एक डिसेंट हाइप थी पहले दिन करीबन रिसभ सेट्टी वैसा कोई बड़ा नाम नहीं था हिंदी मार्केट में लेकिन उसके बावजूद पहले दिन फिल्म ने करीबन एक करोड़ सत्ताईस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन दो करोड़ पचहत्तर लाख का किया हुआ था संडे के दिन फिल्म ने तीन करोड़ पचास लाख का ग्रोस कलेक्शन किया साढ़े सात करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन सॉरी नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में एक अच्छा खासा कलेक्शन किया <laughs> वहीं पे तेलुगु वर्जन में इस फिल्म ने पहले दिन कुछ साढ़े चार करोड़ के आसपास दूसरे दिन कुछ पाँच करोड़ के आसपास ऐसे कलेक्शन करते हुए दस करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन किया और दो ही दिनों में इस फिल्म ने डबल ब्लॉक बस्टर का टेग हासिल कर लिया क्योंकि ब्रेक इवन टारगेट बहुत कम रखा गया था तो उस वजह से कांतारा फिल्म हिंदी और तेलुगु वर्जन में भी अच्छी तरह से वर्क कर गई और फिलहाल में वो मंडे टेस्ट भी पास कर चुकी है तो ये फिल्म और भी लंबा रन लेने वाली है सभी वर्जन्स में और सामने दिवाली आ रही है तो ये फिल्म अच्छा खासा एक ग्रोथ हासिल करेगी और एक अच्छा खासा कलेक्शन कर के जाएगी करीबन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस फिल्म का दो सौ करोड़ के आसपास का हो सकता है तो बस गाइज कांतारा फिल्म काफ़ी बढ़िया वर्क कर चुकी है तो ये फिल्म आप कहाँ पे कैसे सैटेलाइट ओटीटी पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए हैं सभी वर्जनस के करीबन साठ से सत्तर करोड़ के आसपास में तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रन के बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तेलुगू तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहाँ पे कन्नडा मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है उसके थिएट्रिकल रिलीज के करीबन छः सात महीनों के बाद ये सभी वर्जन आपको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टी चैनल मूवीज टीवी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे टेलीविजन के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कांतारा फिल्म आपको ओ पे अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी थिएट्रिकल

जिसको सिर्फ कर्नाटक में रिलीज़ किया गया था कन्नड़ा वर्जन में और उसके बाद में फ़िल्म ने जैसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया तो ये फिल्म डे बाय डे बेहतरीन कलेक्शन करती हुई नज़र आई थी कर्नाटक बॉक्स ऑफिस के ऊपर उसके बाद में ये फिल्म दूसरे रीजन दूसरे लैंग्वेज में फेमस होने लग गई लोगों के बीच में जिस वजह से इस फिल्म के दूसरे अलग अलग वर्जन जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम वर्जन के लिए मांग की गई और बाद में मेकर्स ने इस फिल्म को दूसरे वर्जन में डब करते हुए थिएट्रिकल रिलीज़ के करीब 10-15 दिनों के बाद दूसरे सभी वजन को रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है ऋषभ शेट्टी ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले सभी उनका है फिल्म का डायरेक्शन भी ऋषभ शेट्टी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात कर तो विजय किरंग दुर जिन्होंने इस फिल्म को हम्बाले फिल्म के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने इससे पहले के और के जी जैसी फिल्मों को रिलीज़ किया हुआ था तो एक एक बड़े प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को करीबन सोलह करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के जो का कन्नाडा कर, वर्जन के जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है वो हम्बाले फिल्म ने अपने ही पास रखे हुए थे वहीं पे दूसरे दूसरे सभी वर्जनस के लिए इस फिल्म के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए ए फिल्म्स थी तेलुगु वर्जन के लिए गीताट्स मलयालम वर्जन के लिए पृथ्वीराज प्रोडक्शन तमिल वर्जन के लिए ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स तो ये चार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जिन्होंने इन चार डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो ऋषभ सेट्टी सप्तमी गौडा रोल में देखने को मिलेंगे किशोर अच्युत कुमार प्रमोद सेट्टी सनील गुरु प्रकाश सुमिन नांद आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे इनके अलावा मानसी सुधीर नवीन डी पाटिल स्वराज शेट्टी दीपक राज पनाजे प्रदीप शेट्टी रक्षित रामचंद्रन शेट्टी चंद्रकला राव पुष्पक राज बोलारा रघु पंडेश्वर राव पुष्पक राज बोल्लुरू मीम रामदास मासुमा कड़गू रंजन साजू राजीव शेट्टी आतिश शेट्टी राधा कृष्णा कुम्बाले और नवीन बोंडेले ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे साइन शेट्टी विनय बिडप्पा और प्रगति ऋषभ शेट्टी आपको इस फिल्म में कैम्यूपीरियंस में, में देखने को मिलने वाली है तो ये फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए अरविंद एस कश्यप ने एडिटिंग किए हुए के एम प्रकाश और प्रतीक सेट्टी ने जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म ढाई घंटे की देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में बी अजनीश लोकनाथ ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म की कहानी को कोविड टाइम के दौरान लिखा हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि नेचर और ह्यूमन के बीच की थीम को लेकर हम एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट बना रहे पहले इस फिल्म को स्पेशली कर्नाटक के लिए ही बनाया गया था कनाडा वर्जन के लिए लेकिन जिस तरह से फिल्म पॉपुलर हुई उस वजह से दूसरी लैंग्वेज इसमें फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती जो संस्कृत ओरिजिन है इसके अलावा इस फिल्म में कनाडा को यूज़ किया गया है जो अलग अलग कोस्टल कर्नाटक है वहाँ का जो एक त्यौहार है उसके ऊपर फिल्म को दिखाया हुआ है इसके अलावा भूता कोला जो होता है उसके ऊपर सभी चीज़ों को फिल्म में दिखाया हुआ है तो इन सभी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को नाइन्टी सेवेंटी नाइन्टी नाइन्टीज 90s नाइन्टीज़ के एट्टी नाइन्टी इन सभी चीज़ों के बीच में इन सभी टाइम के बीच में बताया हुआ है तो जिस वजह से इस फिल्म में आपको काफ़ी अलग अलग, अलग लोकेशंस देखने को मिलते हैं अलग अलग कॉस्ट्यूम डिज़ाइन देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके से सेट डिज़ाइन देखने को मिलेंगे तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अट्ठारह से लेकर उन्नीस तक यानी कि सौ सालों का समय अंतरार फिल्म में अलग अलग टाइम पर दिखाया हुआ है तो फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक विलेज में शूट किया हुआ था केराड़ी विलेज के पास में कुछ पंद्रह लोगों को क्र्यू था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से कम करवाया हुआ था अब हम बात करें म्यूजिक के ऊपर तो इस फिल्म में टोटल छः गाने हैं। जहाँ पे इन छः गानों को जैसे कि तुल्लो वर्जन भी इसमें शामिल है जिसके राइट से वो हम्बाले म्यूजिक और ए फिल्म्स वालों ने खरीदे हुए थे वहीं पे कन्नड़ा तमिल तेलुगु मलयालम सभी वर्जन में इन गानों को डब किया हुआ था जिसको कंपोज किया हुआ था बेदनी शलोकनाथ ने इस फिल्म के गानों के लिए तीस से चालीस म्यूजिशियन का यूज़ किया गया था ये सभी गाने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ जा रहे थे जहाँ पर दो में इनको रिकॉर्ड किया गया था पंद्रह अगस्त दो को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे सभी वर्जन में अवेलेबल क्या हुआ था तो वहाँ से आप एंजॉय कर पाओगे वहीं पे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कैरेक्टर्स के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी ने कडो बेट्टू शिवा और शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है सत्यमणि गोवड़ा ने इस फिल्म में लीला का रोल प्ले किया हुआ है किशोर ने मुरलीधर का रोल प्ले किया हुआ था जो डिप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे अच्युत कुमार ने देवंत तो देवेंद्र सुतारू का रोल प्ले किया हुआ है प्रमोद शेट्टी ने सुधाकर का रोल प्ले किया हुआ है सानिल गुरु ने बुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश थुमिनान ने इस फिल्म में रामपा का रोल प्ले किया हुआ है मानसी सुधीर ने कमला यानी कि सेवा की, की मां का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नवीन डी पाडिल ने इस फिल्म में लोयर का रोल प्ले किया हुआ है सौराज शेट्टी ने गुरुआ का रोल प्ले किया हुआ था जो शिवा के कजिन ब्रदर थे वहीं पर दीपक राय पानाजा ने इस फिल्म में सुंदरा का रोल प्ले किया हुआ था प्रदीप शेट्टी ने मोहाना का रोल प्ले किया हुआ था इस तरह से सभी आर्टिस्ट ने अलग अलग रोल को प्ले किया हुआ था कहानी के ऊपर बातचीत करते इस फिल्म की कहानी 1847 से स्टार्ट होती है जहाँ पे कुडुंगपुर विलेज में कहानी को सेट किया हुआ है कर्नाटक का एक विलेज है जहाँ का एक किंग है अपने एरिया का जो एक किंग है वो अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं है उसकी लाइफ में कोई शांति पीस नहीं है तो इन सभी चीज़ों के लिए वो काफ़ी रास्ते में निकल पड़ता है ढूंढने के लिए तो किसी एक दिन उसको एक जंगल में जाके एक ऐसी चीज़ एक शांति मिलती है जिसकी वजह से कुछ ऐसे उस शांति की वजह से वो गांव वालों के साथ कुछ ऐसी डील करता है जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है जो गांव का एरिया है वो उनको गांव वालों को दे देगा उसके बदले वो उसको वो पीस मिल जाएगी तो इन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से उन्होंने किया जिस वजह से उनको वो पीस मिल गई शांति मिल गई उसके बाद में नाइन्टीज का समय बताया जाता है जहाँ पे किंग का जो बेटा है यानि कि उनके जो वंशज हैं वो ज़मीन को फिर से हथियारने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो बाद में मर जाता है उसके बाद में एक और किंग के वंशज को बताया जाता है जिसको काफ़ी अच्छा इंसान बताया जाता है जहाँ पे वो कहानी है वो नाइन्टीन नाइन्टीज में सेट है और उस नाइन्टीन नाइन्टीज़ की कहानी में रिषभ सेट्टी आपको देखने को मिले मिलेंगे जिन्होंने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है और उस जगह पे काफ़ी सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हो रही है जहाँ पे गांव वाले पुलिस के सामने रिवोल्ट लेके खड़े हुए हैं यानी कि विद्रोह करके खड़े हुए हैं लेकिन उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है मोटिव क्या है वो सभी चीज़ें अलग हैं तो इस फिल्म में काफ़ी सारे लेयर्स देखने को मिलते हैं जो कहानी है उसके अंदर भी काफ़ी लेयर्स है तो उन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर एक्टर सभी रिषभ सेट्टी है शिवा के रोल में वो काफ़ी दमदार नजर आ रहे थे उन्होंने एक परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई इमोशनल से लेकर एक्शन सीक्वेंस तक थ्रू आउट द फिल्म उनका काम पसंद आएगा कॉमेडी टाइमिंग फिल्म में काफ़ी बढ़िया है एक करोड़ रिक का आपको वातावरण देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है वो बढ़िया है इनिशियल पहला जो एक घंटा रहता है वहाँ पे कॉमेडी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है क्लाइमेक्स में जो सबसे टिका जो परफॉर्मेंस है वो आपको स्पीचलेस कर देगा जहाँ पे एक फाइट सीक्वेंस जो क्लाइमेक्स पोशन में सेट किया हुआ है वो आपका दिमाग घुमा देगा फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग है स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता रहता है जहाँ पे कोई भी स्लो मोमेंट देखने को नहीं मिलता है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी अच्छी थी अरेस्टिंग विजुअल से वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में कुछ फनी सीन्स क्रिएट किए हुए ऋषभ शेट्टी और उनकी गेंग के साथ वो अच्छा कॉमेडी क्रिएट करते हैं लव ट्रैक है ऋषभ शेट्टी सप्तमी गौड़ा का उसको रिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम क्या हुआ है उनके पार्ट का उन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है इसके अलावा अच्युत कुमार किशोर अच्छा खासा रोल दिया गया था फिल्म के काफी हाई है सोलिड है जिसको आपको देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा फिल्म की जो प्रोसीडिंग है एंटायर प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूँ वह रोमिनर में की गई है वो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म में आपको काफी ज्यादा गुस्स मोमेंट्स बम्प वाले मोमेंट्स देखने को मिलते हैं एक मास मोमेंट्स के साथ दिखाए हुए फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पे भी ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ में हैंडल किया था उसके बाद में जब फिल्म सेकंड हाफ में आती है तो थोड़ी डल हो जाती है थोड़े समय के लिए लेकिन वो थोड़े समय के लिए रहता है बाकी उसके बाद ये फिल्म फिर से पिकअप ले लेती है और क्लाइमेक्स आपको ज़रूर पसंद आएगा ओवरऑल फिल्म आपको थोड़ी बहुत प्रिडिक्टेबल लग सकती है लेकिन इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि वो उतना कुछ मैटर नहीं करता है ये फिल्म पूरी तरह से आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म को जरूर पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था थोड़ा लव स्टोरी वाला एंगल है थोड़े कुछ अननेसेसरी सीन्स है फ्रेंड्स के बीच उसको चॉप आउट किए जा सकते थे वैसे टेक्निकली ये फिल्म काफ़ी ब्रिलियंट है जहाँ पे इस फिल्म का म्यूजिक है वो काफ़ी शानदार है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे जिस तरह जो सीन थे उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से और इफ़ेक्टिव बना रहा था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है किसी बिग बजट फिल्म को भी पीछे छोड़ दे इस तरह की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म में विजुअल्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे हर एक फ्रेम को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है रस्टिक नेचर देखने को मिलता है सभी चीज़ों को सिनेमेटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है विलेज और फॉरेस्ट के लोकेस स को काफ़ी रियलिस्टिक रखा हुआ है ऋषभ सेट्टी का जो डरेक्शन है वो काफी बढ़िया है उन्होंने फर्स्ट को इंटरेस्टिंग मैनर में नेरेट किया हुआ तो सेकंड हाफ में स्टार्टिंग में ठीक ठीक फिल्म थी उसके बाद में एंड में तो उनका ही परफॉर्मेंस फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है इस फिल्म में आपको कर्नाटक का जो ट्रेडिशन है कल्चर है वो कोस्टल कर्नाटक का दक्षिण कर्नाटक का वो देखने को मिलता है जिसको बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है सभी को ये सभी चीज़ें पसंद आएगी तो कांतारा क्रस्टिक विले ड्रामा फिल्म है जो सभी टाइप की ऑडियंस को पसंद आएगी जहाँ पे ग्रीटिंग मैनर का नेरेशन आपको जरूर प्रेस करेगा इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से जो वो सभी मोमेंट है वो सभी चीज़ें हैं जिसका मिश्रण बैलेंस वे में किया हुआ है जिस वजह से फिल्म सभी को पसंद आएगी इस फिल्म के अब रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते हैं तीस सेप्टेम्बर दो को इस फिल्म को कनाडा वर्जन में रिलीज किया गया था सोलह करोड़ के बजट के साथ उसके बाद में इस फिल्म को करीबन 10-15 दिनों के बाद 14 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में वहीं पे 15 अक्टूबर को तेलुगु और तमिल वर्जन में रिलीज़ किया गया था वहीं पे मलयालम वर्जन है उसको 20 अक्टूबर 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था हिंदी वर्जन को जब रिलीज़ किया गया तब करीबन पूरे कंट्री में हिंदी वर्जन के आठ के करीब स्क्रीन्स लगे हुए थे लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया उसके चलते फिल्म के स्क्रीन्स पच्चीस से तीन तक कर दिए गए थे इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर ए फिल्म थे वहीं पर तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर गीता आर्थ थे वहीं तमिल डिस्ट्रीब्यूटर ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थे और पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने मलयालम वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को रिलीज किया गया काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे इस फिल्म ने बुक माय शो के ऊपर 99% परसेंट की रेटिंग हासिल की हुई थी 60000 वोट पे और ऐसा होने वाली यह फिल्म, फिल्म थी उस वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को आईएमडी पे करीबन तीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें नौ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे, पे काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करते हुए धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने स्लो स्टार्ट लिया हुआ था सिर्फ कनाड़ा वर्जन में फिल्म को रिलीज किया गया था साढ़े करोड़ के आसपास का पहले दिन का कलेक्शन आया था उसका अगर ग्रोथ कर तो छः करोड़ के आसपास का होता है उसके बाद में इस फिल्म का जो वीकेंड था वो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था उसके बाद में इस फिल्म ने पहले मंडे के दिन चार करोड़ का कलेक्शन किया उसके बाद में डे बाय डे फिल्म ने ग्रोथ लेता रहा छठे दिन फिल्म ने करीबन आठ से नौ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पहला वीक काफ़ी बढ़िया तरीके से 40-45 करोड़ का लिया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म डे बाय डे कलेक्शन बढ़ाती रही उसके बाद में 10-15 दिनों के बाद इसके सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलगू मलयालम कन्नड़ा वर्जन भी एड होते गए जिसकी वजह से ये फिल्म 15-16 करोड़ के बजट के सामने सत्रह अठारह दिनों में एक करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करती हुई नज़र आई जहाँ पर एक ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने कन्नड़ा वर्जन में कन्नड़ा लैंग्वेज में हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में जो लिस्ट है उसमें अपना ऊपर के टॉप की लिस्ट में एंट्री ले ली थी जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से दूसरे वर्जन में भी कलेक्शन किए हुए जहाँ पे हिंदी वर्जन तेलुगु वर्जन खास करके बढ़िया वर्क कर गए जहाँ पे हिंदी वर्जन को एक दिन पहले रिलीज किया गया था तो उस वर्जन ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था हिंदी वर्जन में फिल्म को वैसे डिसेंट स्क्रीन दिए गए थे एक डिसेंट हाइप थी पहले दिन करीबन रिसप सेट्टी ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं था हिंदी मार्केट में लेकिन उसके बावजूद पहले दिन फिल्म ने करीबन एक करोड़ सत्ताईस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन दो करोड़ पचहत्तर लाख का किया हुआ था संडे के दिन फिल्म ने तीन करोड़ पचास लाख का ग्रोस कलेक्शन किया साढ़े सात करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन क... सॉरी नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में अच्छा खासा कलेक्शन किया <laughs> वहीं पे तेलुगु वर्जन में इस फिल्म ने पहले दिन कुछ साढ़े चार करोड़ के आसपास दूसरे दिन कुछ पाँच करोड़ के आसपास इसे कलेक्शन करते हुए दस करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन किया और दो ही दिनों में इस फिल्म ने डबल ब्लॉक बस्टर का टेग हासिल कर लिया क्योंकि ब्रेक इवन टारगेट बहुत कम रखा गया था तो उस वजह से कांतारा फिल्म हिंदी और तेलुगु वर्जन में भी अच्छी तरह से वर्क कर गई और फिलहाल में वो मंडे टेस्ट भी पास कर चुकी है तो ये फिल्म और भी लंबा रन लेने वाली है सभी वर्जन में और सामने दिवाली आ रही है तो ये फिल्म अच्छा खासा एक ग्रोथ हासिल करेगी और एक अच्छा खासा कलेक्शन करके जाएगी करीबन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस फिल्म का 200 करोड़ के आसपास का हो सकता है तो बस गायज कांतारा फिल्म काफी बढ़िया वर्क कर चुकी है तो ये फिल्म आप कहाँ पे कैसे सेटेलाइट ओटीटी पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए सभी वर्जन के करीबन साठ से सत्तर करोड़ के आसपास में तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रन के बाद अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तेलुगू तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहाँ पे कन्नडा मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है उसके थिएट्रिकल रिलीज के करीबन छः सात महीनों के बाद ये सभी वर्जन आपको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टी चैनल मूवीज टी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे टेलीविजन के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कांतारा फिल्म आपको ओ पे टी अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी थिएट्रिकल रिलीज के दो तीन महीनों के बाद कांतारा नाम के साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां तो पर इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज में बनाया गया था बाकी सभी वर्जन में डब करके थिएटर में रिलीज किया गया था इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है एक कन्नड़ा लैंग्वेज मीडियम टू लो बजट फिल्म थी जिसको सिर्फ कर्नाटक में रिलीज किया गया था कनाडा वर्जन में और उसके बाद में फिल्म ने जैसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया तो ये फिल्म डे बाय डे बेहतरीन कलेक्शन करती हुई नजर आई थी कर्नाटक बॉक्स ऑफिस के ऊपर उसके बाद में ये फ़िल्म दूसरे रीजन दूसरे लैंग्वेज़ में फेमस होने लग गई लोगों के बीच में जिस वजह से इस फिल्म के दूसरे अलग अलग वर्जन जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगु, मलयालम वर्ज़न के लिए मांग की गई और बाद में मेकर्स ने इस फिल्म को दूसरे वर्जन में डब करते हुए थिएट्रिकल रिलीज़ के करीब दस पंद्रह दिनों के बाद दूसरे सभी वर्जन को रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है ऋषभ शेट्टी ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले सभी उनका है फिल्म का डायरेक्शन भी ऋषभ शेट्टी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात कर तो विजय किरंग दुर जिन्होंने इस फिल्म को हम्बाले फिल्म के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने इससे पहले के जी एफ़ और के जी एफ़ टू जैसी फिल्मों को रिलीज़ किया हुआ था तो एक प्रोडक् एक बड़े प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को करीबन सोलह करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के जो का कन्नाडा वर्जन के जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है वो हम्बाले फिल्म ने अपने ही पास रखे हुए थे वहीं पे दूसरे दूसरे सभी वर्जनस के लिए इस फिल्म के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए ए फिल्म्स थी तेलुगु वर्जन के लिए गीता मलयालम वर्जन के लिए पृथ्वीराज प्रोडक्शन तमिल वर्जन के लिए ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स तो ये चार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जिन्होंने इन चार डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो ऋषभ सेट्टी सप्तमी गौड़ा रोल में देखने को मिलेंगे किशोर अच्युत कुमार प्रमोद सेट्टी सनील गुरु प्रकाश सुमिन नांद आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे इनके अलावा मानसी सुधीर नवीन डी पाटिल स्वराज शेट्टी दीपक राज पनाजे प्रदीप शेट्टी रक्षित रामचंद्रन शेट्टी चंद्रकला राव पुष्पक राज बोलारा रघु पंडेश्वर राव पुष्पक राज बोल्लुरू मीम रामदास मासुमा कड़गू रंजन साजू राजीव शेट्टी आतिश शेट्टी राधा कृष्णा कुम्बाले और नवीन बोंडेले ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे साइन शेट्टी विनय बिडप्पा और प्रगति ऋषभ शेट्टी आपको इस फिल्म में कैम्यू में, में देखने को मिलने वाली है तो ये फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए अरविंद एस कश्यप ने एडिटिंग किए हुए के एम प्रकाश और प्रतीक सेट्टी ने जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म ढाई घंटे की देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में बी अद्श लोकनाथ ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो ऋषभ सेट्टी ने इस फिल्म की कहानी को कोविड टाइम के दौरान लिखा हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि नेचर और ह्यूमन के बीच की थीम को लेकर हम एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट बना रहे पहले इस फिल्म को स्पेशली कर्नाटक के लिए ही बनाया गया था कनाडा वर्जन के लिए लेकिन जिस तरह से फिल्म पॉपुलर हुई उस वजह से दूसरी लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती जो संस्कृत ओरिजिन है इसके अलावा इस फिल्म में कनाडा को यूज़ किया गया है जो अलग अलग कोस्टल कर्नाटक है वहाँ का जो एक त्यौहार है उसके ऊपर फिल्म को दिखाया हुआ है इसके अलावा भूता कोला जो होता है उसके ऊपर सभी चीज़ों को फिल्म में दिखाया हुआ है तो इन सभी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को नाइन्टी सेवेंटी नाइन्टी नाइन्टीज़ 90s नाइन्टीज़ के एट्टी नाइन्टी इन सभी चीज़ों के बीच में इन सभी टाइम के बीच में बताया हुआ है तो जिस वजह से इस फिल्म में आपको काफी अलग अलग, अलग लोकेशंस देखने को मिलते हैं अलग अलग कॉस्ट्यूम डिजाइन देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके से सेट डिजाइन देखने को मिलेंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अट्ठारह से लेकर उन्नीस तक यानी कि 100 सालों का समय अंतरार फिल्म में अलग अलग टाइम पे दिखाया हुआ है तो फिल्म में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक विलेज में शूट किया हुआ था केराड़ी विलेज के पास में कुछ पंद्रह लोगों को क्र्यू था जहाँ पे इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें म्यूजिक के ऊपर तो इस फिल्म में टोटल छः गाने हैं, जहां पे इन छः गानों को जैसे कि तुल्लु वर्जन भी इसमें शामिल है जिसके राइट से वो हम्बाले म्यूजिक और ए फिल्म्स वालों ने खरीदे हुए थे वहीं पे कन्नडा तमिल तेलुगु मलयालम सभी वर्जन में इन गानों को डब किया हुआ था जिसको कंपोज किया हुआ था बेदनीश लोकनाथ ने इस फिल्म के गानों के लिए तीस से चालीस म्यूजिशियन का यूज़ किया गया था ये सभी गाने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ जा रहे थे जहाँ पे 2022 में इनको रिकॉर्ड किया गया था 15 अगस्त 2022 को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था तो वहाँ से आप कर कर पाओगे। वहीं पे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कैरेक्टर्स के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी ने कडुबेटू शिवा और शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है सत्यवनी गोबड़ा ने इस फिल्म में लीला का रोल प्ले किया हुआ है किशोर ने मुरलीधर का रोल प्ले किया हुआ था तो जो डेप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे अच्युत कुमार ने देव तो देवेंद्र सुतारू का रोल प्ले किया हुआ है प्रमोद शेट्टी ने सुधाकर का रोल प्ले किया हुआ है सानिल गुरु ने बुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश थुमिनान ने इस फिल्म में रामपा का रोल प्ले किया हुआ है मानसी सुधीर ने कमला यानी कि सेवा की मां का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नवीन डी पाडिल ने इस फिल्म में आ, लोयर का रोल प्ले किया हुआ है सौराज शेट्टी ने गुरुआ का रोल प्ले किया हुआ था जो शिवा के कजिन ब्रदर थे वहीं पर दीपक राय पानाजा ने इस फिल्म में सुंदरा का रोल प्ले किया हुआ था प्रदीप शेट्टी ने मोहाना का रोल प्ले किया हुआ था इस तरह से सभी आर्टिस्ट ने अलग अलग रोल को प्ले क्या हुआ था कहानी के ऊपर बातचीत करते इस फिल्म की कहानी 1847 से स्टार्ट होती है जहाँ पे कुडुंगपुर विलेज में कहानी को सेट किया हुआ है कर्नाटक का एक विलेज है जहाँ का एक किंग है अपने एरिया का जो एक किंग है वो अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं है उसकी लाइफ में कोई शांति पीस नहीं है तो इन सभी चीज़ों के लिए वो काफ़ी रास्ते में निकल पड़ता है ढूंढने के लिए तो किसी एक दिन उसको एक जंगल में जाके एक ऐसी चीज़ एक शांति मिलती है जिसकी वजह से कुछ ऐसे उस शांति की वजह से वो गांव वालों के साथ कुछ ऐसी डील करता है जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है जो गांव का एरिया है वो उनको गांव वालों को दे देगा उसके बदले वो उसको वो पीस मिल जाएगी तो इन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से उन्होंने किया जिस वजह से उनको वो पीस मिल गई शांति मिल गई उसके बाद में नाइन्टीज़ का समय बताया जाता है जहाँ पे किंग का जो बेटा है यानि कि उनके जो वंशज है वो ज़मीन को फिर से हत्याने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो बाद में मर जाता है उसके बाद में एक और किंग के वंशज को बताया जाता है जिसको काफ़ी अच्छा इंसान बताया जाता है जहाँ पे वो कहानी है वो नाइन्टीन नाइन्टीज में सेट है और उस नाइनटीन नाइन्टीज़ की कहानी में रिषभ सेट्टी आपको देखने को मिले मिलेंगे जिन्होंने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है और उस जगह पे काफ़ी सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हो रही है जहाँ पे गांव वाले पुलिस के सामने रिवोल्ट लेके खड़े हुए हैं यानी कि विद्रोह करके खड़े हुए लेकिन उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है मोटिव क्या है वो सभी चीज़ें अलग हैं तो इस फिल्म में काफ़ी सारे लेयर्स देखने को मिलते हैं जो कहानी है उसके अंदर भी काफ़ी लेयर्स है तो उन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर एक्टर सभी रिषभ सेट्टी है शिवा के रोल में वो काफ़ी दमदार नजर आ रहे थे उन्होंने एक परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई इमोशनल से लेकर एक्शन सीक्वेंस तक थ्रू आउट द फिल्म उनका काम पसंद आएगा कॉमेडी टाइमिंग फिल्म में काफ़ी बढ़िया है एक करोड़ रिक का आपको वातावरण देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है वो बढ़िया है इनिशियल पहला जो एक घंटा रहता है वहाँ पर कॉमेडी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है क्लाइमेक्स में जो रक्स टीका जो परफॉर्मेंस है वो आपको स्पीचलेस कर देगा जहाँ पे एक फाइट सीक्वेंस जो क्लाइमेक्स पोशन में, में सेट किया हुआ है वो आपका दिमाग घुमा देगा फर्स्ट हाफ फिल्म का काफी एंगेजिंग स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता रहता है जहाँ पे कोई भी स्लो मोमेंट देखने को नहीं मिलता है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी अच्छी थी अरेस्टिंग विजुअल से वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में कुछ फनी सीन्स क्रिएट किए हुए ऋषभ शेट्टी और उनकी गेंग के साथ वो अच्छा कॉमेडी क्रिएट करते हैं लव ट्रैक है ऋषभ शेट्टी सप्तमी गौड़ा का उसको रिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है उनके पार्ट का उन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है इसके अलावा अच्युत कुमार किशोर कुमार जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट भी आपको देखने को मिलते जिनको एक अच्छा खासा रोल दिया गया था अपने रोल के साथ पूरी तरह से वो जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं काफी हाई है सोलिड है जिसको आपको देखने में और भी ज्यादा मज़ा आएगा फिल्म की जो प्रोसीडिंग है एंटायर प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूँ वो रोम इनर में की गई है वो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म में आपको काफी ज्यादा घुस मोमेंट्स बम्प वाले मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जो एक मास मोमेंट्स के साथ दिखाए हुए फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पे भी ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है जो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ में हैंडल किया होता है उसके बाद में जब फिल्म सेकंड हाफ़ में आती है तो थोड़ी डल हो जाती है थोड़े समय के लिए लेकिन वो थोड़े समय के लिए रहता है बाकी उसके बाद ये फिल्म फिर से पिकअप ले लेती है और क्लाइमेक्स आपको ज़रूर पसंद आएगा ओवरऑल फिल्म आपको थोड़ी बहुत प्रिडिक्टेबल लग सकती है लेकिन इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि वो उतना कुछ मैटर नहीं करता है ये फिल्म पूरी तरह से आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म को जरूर पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था थोड़ा लव स्टोरी वाला एंगल है थोड़े कुछ अननेसेसरी सीन्स है फ्रेंड्स के बीच उसको चॉप आउट किए जा सकते थे वैसे टेक्निकली ये फिल्म काफ़ी ब्रिलियंट है जहाँ पे इस फिल्म का म्यूजिक है वो काफ़ी शानदार है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे जिस तरह जो सीन थे उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से और इफेक्टिव बना रहा था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है किसी बिग बजट फिल्म को भी पीछे छोड़ दे इस तरह की सिनेटोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म में विजुअल्स आपको जरूर पसंद आएंगे हर एक फ्रेम को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है रस्टिक नेचर देखने को मिलता है सभी चीज़ों को सिनेमेटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है विलेज और फॉरेस्ट के लोकेस स को काफी रियलिस्टिक रखा हुआ है ऋषभ सेट्टी का जो डरेक्शन है वो काफी बढ़िया है उन्होंने फर्स्ट आपको इंटरेस्टिंग मैनर में नेरेट किया हुआ तो सेकंड आपने स्टार्टिंग में ठीक ठीक फिल्म थी उसके बाद में एंड में तो उनका ही परफॉर्मेंस फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है इस फिल्म में आपको कर्नाटक का जो ट्रेडिशन है कल्चर है कोस्टल कर्नाटक का दक्षिण कर्नाटक का वो देखने को मिलता है जिसको बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है सभी को ये सभी चीजें पसंद आएगी तो कांतारा क्रस्टिक विले ड्रामा फिल्म है जो सभी टाइप की ऑडियंस को पसंद आएगी जहाँ पे ग्रीटिंग मैनर का नेरेशन आपको जरूर इम्प्रो करेगा इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से जो वो सभी मोमेंट है वो सभी चीजें हैं, जिसका मिश्रण बैलेंस वे में किया हुआ है जिस वजह से फिल्म सभी को पसंद आएगी इस फिल्म के अब रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते हैं तीस सेप्टेम्बर दो को इस फिल्म को कनाडा वर्जन में रिलीज किया गया था सोलह करोड़ के बजट के साथ उसके बाद में इस फिल्म को करीबन 10-15 दिनों के बाद 14 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में वहीं पे 15 अक्टूबर को तेलुगु और तमिल वर्जन में रिलीज़ किया गया था वहीं पे मलयालम वर्जन है उसको 20 अक्टूबर 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था हिंदी वर्जन को जब रिलीज़ किया गया तब करीबन पूरे कंट्री में हिंदी वर्जन के आठ के करीब स्क्रीन्स लगे हुए थे लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया उसके चलते फिल्म के स्क्रीन्स पच्चीस से तीन तक कर दिए गए थे इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर ए फिल्म थे वहीं पर तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर गीता आर्थ थे वहीं पे तमिल डिस्ट्रीब्यूटर ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थे और पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने मलयालम वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को रिलीज किया गया काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहाँ पे इस फिल्म ने बुक माय शो के ऊपर 99% की रेटिंग हासिल की हुई थी 68000 वोट पे और ऐसा होने वाली यह फिल्म, फिल्म थी उस वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को आईएमडी पे करीबन तीस हजार वोट मिले हुए जिसमें नौ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से फिल्म को काफी बढ़िया रिस्पांस मिला क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करते हुए धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने स्लो स्टार्ट लिया हुआ था सिर्फ कनाडा वर्जन में फिल्म को रिलीज किया गया था साढ़े करोड़ के आसपास का पहले दिन का कलेक्शन आया था उसका अगर ग्रोथ करें तो छे करोड़ के आसपास का होता है उसके बाद में इस फिल्म का जो वीकेंड था वो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था उसके बाद में इस फिल्म ने पहले मंडे के दिन चार करोड़ का कलेक्शन किया उसके बाद में डे बाय डे फिल्म ने ग्रोथ लेता रहा छठे दिन फिल्म ने करीबन आठ से नौ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पहला वीक काफ़ी बढ़िया तरीके से 40-45 करोड़ का लिया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म डे बाय डे कलेक्शन बढ़ाती रही उसके बाद में 10-15 दिनों के बाद इसके सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा वर्जन भी एड होते गए जिसकी वजह से ये फिल्म 15-16 करोड़ के बजट के सामने सत्रह अठारह दिनों में एक करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करती हुई नज़र आई जहाँ पर एक ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने कन्नड़ा वर्जन में कन्नड़ा लैंग्वेज में हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में जो लिस्ट है उसमें अपना

पहले दिन करीबन रिसभ सेट्टी ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं था हिंदी मार्केट में लेकिन उसके बावजूद पहले दिन फिल्म ने करीबन एक करोड़ सत्ताईस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन दो करोड़ पचहत्तर लाख का किया हुआ था संडे के दिन फिल्म ने तीन करोड़ पचास लाख का ग्रोस कलेक्शन किया साढ़े सात करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन कर सॉरी नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में अच्छा खासा कलेक्शन किया <laughs> वहीं पे तेलुगु वर्जन में इस फिल्म ने पहले दिन कुछ साढ़े चार करोड़ के आसपास दूसरे दिन कुछ पाँच करोड़ के आसपास इसे कलेक्शन करते हुए दस करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन किया और दो ही दिनों में इस फिल्म ने डबल ब्लॉक बस्टर का टेग हासिल कर लिया क्योंकि ब्रेक इवन टारगेट बहुत कम रखा गया था तो उस वजह से कांतारा फिल्म हिंदी और तेलुगु वर्ज़न में भी अच्छी तरह से वर्क कर गई और फिलहाल में वो वनडे टेस्ट भी पास कर चुकी है तो ये फिल्म और भी लंबा रन लेने वाली है सभी वर्जनस में और सामने दिवाली आ रही है तो ये फिल्म अच्छा खासा एक ग्रोथ हासिल करेगी और एक अच्छा खासा कलेक्शन करके जाएगी करीबन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस फिल्म का 200 करोड़ के आसपास का हो सकता है तो बस गाय कांतारा फिल्म काफ़ी बढ़िया वर्क कर चुकी है तो ये फिल्म आप कहाँ पे कैसे सैटेलाइट ओटीटी पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए सभी वर्जनस के करीबन साठ से सत्तर करोड़ के आसपास में तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रन के बाद अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहाँ पे कन्नडा मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है उसके थिएट्रिकल रिलीज के करीबन छः सात महीनों के बाद ये सभी वर्जनस आपको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टीवी चैनल मूवीज टीवी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे टेलीविजन के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कांतारा फिल्म आपको ओ टी टी पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी थिएट्रिकल रिलीज के दो तीन महीनों के बाद कांतारा नाम के साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे कन्नड़ा मेन वर्जन वर्जन है है बाकी सभी वर्जन है। तो इस तरह से कांतारा कांतारा फिल्म आप OTT और के ऊपर कर पाओगे कांतारा, जो 2022 के इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज में बनाया गया था बाकी सभी वर्जन में डब करके थिएटर में रिलीज किया गया था इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है एक कन्नड़ा लैंग्वेज मीडियम टू लो बजट फिल्म थी जिसको सिर्फ कर्नाटक में रिलीज़ किया गया था कन्नड़ा वर्जन में और उसके बाद में फिल्म ने जैसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया तो ये फिल्म डे बाय डे बेहतरीन कलेक्शन करती हुई नज़र आई थी कर्नाटक बॉक्स ऑफिस के ऊपर उसके बाद में ये फिल्म दूसरे रीजन दूसरे लैंग्वेज में फेमस होने लग गई लोगों के बीच में जिस वजह से इस फिल्म के दूसरे अलग अलग वर्जन जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम वर्जन के लिए मांग किए गए और बाद में मेकर्स ने इस फिल्म को दूसरे वर्जन में डब करते हुए थिएट्रिकल रिलीज़ के करीब 10-15 दिनों के बाद दूसरे सभी वजन को रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है ऋषभ शेट्टी ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले सभी उनका है फिल्म का डायरेक्शन भी ऋषभ शेट्टी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो विजय किरंगदुर जिन्होंने इस फिल्म को हम्बाले फिल्म के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने इससे पहले के और के जी जैसी फिल्मों को रिलीज़ किया हुआ था तो एक एक बड़े प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को करीबन सोलह करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के जो का कन्नाडा कर, वर्जन के जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है वो हम्बाले फिल्म ने अपने ही पास रखे हुए थे वहीं पे दूसरे दूसरे सभी वर्जनस के लिए इस फिल्म के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए ए फिल्म्स थी तेलुगु वर्जन के लिए गीताट्स मलयालम वर्जन के लिए पृथ्वीराज प्रोडक्शन तमिल वर्जन के लिए ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स तो ये चार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जिन्होंने इन चार डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो ऋषभ सेट्टी सप्तमी गौड़ा रोल में देखने को मिलेंगे किशोर अच्युत कुमार प्रमोद सेट्टी सनील गुरु प्रकाश सुमिन नांद आपको इस फिल्म इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे इनके अलावा मानसी सुधीर नवीन डी पाटिल स्वराज शेट्टी दीपक राज पन्नाजे प्रदीप शेट्टी रक्षित रामाचंद्रन शेट्टी चंद्रकला राव पुष्पकराज बोलारा रघु पंडेश्वर राव पुष्पकराज राज मीम रामदास मासुमा कड़गु रंजन साजू राजीव शेट्टी आतिश सेट्टी राधा कृष्णा कुम्बाले और नवीन बोंडेले ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे साइन सेट्टी विनय बिडप्पा और प्रगति ऋषभ शेट्टी आपको इस फिल्म में कैम्यूपीरियंस में, में देखने को मिलने वाली है तो ये फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए अरविंद एस कश्यप ने एडिटिंग किए हुए के एम प्रकाश और प्रतीक सेट्टी ने जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म ढाई घंटे की देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में बी अजनिश लोकनाथ ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो ऋषभ सेट्टी ने इस फिल्म की कहानी को कोविड टाइम के दौरान लिखा हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि नेचर और ह्यूमन के बीच की थीम को लेकर हम एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट बना रहे पहले इस फिल्म को स्पेशली कर्नाटक के लिए ही बनाया गया था कनाडा वर्जन के लिए लेकिन जिस तरह से फिल्म पॉपुलर हुई उस वजह से दूसरी लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था जहाँ पर इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती जो संस्कृत ओरिजिन है इसके अलावा इस फिल्म में कनाडा को यूज़ किया गया जो अलग अलग कोस्टल कर्नाटक है वहाँ का जो एक त्यौहार है उसके ऊपर फिल्म को दिखाया हुआ है इसके अलावा भूता कोला जो होता है उसके ऊपर सभी चीज़ों को फिल्म में दिखाया हुआ है तो इन सभी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को नाइन्टी सेवेंटी नाइन्टी नाइन्टीज नाइन्टी नाइन्टीज़ के एट्टी नाइन्टी इन सभी चीज़ों के बीच में इन सभी टाइम के बीच में बताया हुआ है तो जिस वजह से इस फिल्म में आपको काफ़ी अलग अलग लोकेशंस देखने को मिलते हैं अलग अलग कॉस्ट्यूम डिज़ाइन देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके से सेट डिज़ाइन देखने को मिलेंगे तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अट्ठारह से लेकर उन्नीस तक यानी कि 100 सालों का समय अंतर आर फिल्म में अलग अलग टाइम पे दिखाया हुआ है तो फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक विलेज में शूट किया हुआ था केराड़ी विलेज के पास में कुछ पंद्रह लोगों को क्र्यू था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें म्यूज़िक के ऊपर तो इस फिल्म में टोटल छः गाने, हैं जहाँ पे इन छः गानों को जैसे कि तुल्लु वर्जन भी इसमें शामिल है इस जिसके राइट से वो होम्बाले म्यूजिक और ए फिल्म वालों ने ख़रीदे हुए थे वहीं पे कन्नडा तमिल तेलुगु, मलयालम सभी वर्ज़न में इन गानों को डब किया हुआ था जिसको कंपोज़ किया हुआ था बी एदनीस लोकनाथ ने इस फिल्म के गानों के लिए तीस से चालीस म्यूजिशियन का यूज़ किया गया था ये सभी गाने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ जा रहे थे जहाँ पे 2022 में इनको रिकॉर्ड किया गया था 15 अगस्त 2022 को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था तो वहाँ से आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कैरेक्टर्स के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी ने कडो शिवा और शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है सत्यवनी गौडा ने इस फिल्म में लीला का रोल प्ले किया हुआ है किशोर ने मुरलीधर का रोल क्या हुआ था जो डेप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे अच्युत कुमार ने देवंत तो देवेंद्र सुतारू का रोल प्ले किया हुआ है प्रमोद शेट्टी ने सुधाकर का रोल प्ले किया हुआ है सानिल गुरु ने बुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश थुमिनान ने इस फिल्म में रामपा का रोल प्ले किया हुआ है मानसी सुधीर ने कमला यानी कि सेवा की मां का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नवीन डी पाडिल ने इस फिल्म में लोयर का रोल प्ले किया हुआ है सौराज शेट्टी ने गुरुआ का रोल प्ले किया हुआ था जो शिवा के कजिन ब्रदर थे वहीं पर दीपक राय पानाजा ने इस फिल्म में सुंदरा का रोल प्ले किया हुआ था प्रदीप शेट्टी ने मोहाना का रोल प्ले किया हुआ था इस तरह से सभी आर्टिस्ट ने अलग अलग रोल को प्ले किया हुआ था कहानी के ऊपर बातचीत करते इस फिल्म की कहानी 1847 से स्टार्ट होती है जहाँ पे कुडुंगपुर विलेज में कहानी को सेट किया हुआ है कर्नाटक का एक विलेज है जहाँ का एक किंग है अपने एरिया का जो एक किंग है वो अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं है उसकी लाइफ में कोई शांति पीस नहीं है तो इन सभी चीज़ों के लिए वो काफ़ी रास्ते में निकल पड़ता है ढूंढने के लिए तो किसी एक दिन उसको एक जंगल में जाके एक ऐसी चीज़ एक शांति मिलती है जिसकी वजह से कुछ ऐसे उस शांति की वजह से वो गांव वालों के साथ कुछ ऐसी डील करता है जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है जो गांव का एरिया है वो उनको गांव वालों को दे देगा उसके बदले वो उसको वो पीस मिल जाएगी तो इन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से उन्होंने किया जिस वजह से उनको वो पीस मिल गई शांति मिल गई उसके बाद में नाइन्टीज़ का समय बताया जाता है जहाँ पे किंग का जो बेटा है यानि कि उनके जो वंशज हैं वो जमीन को फिर से हत्याने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो बाद में मर जाता है उसके बाद में एक और किंग के वंशज को बताया जाता है जिसको काफ़ी अच्छा इंसान बताया जाता है जहाँ पे वो कहानी है वो नाइन्टीन नाइन्टीज में सेट है और उस नाइन्टीन नाइन्टीज की कहानी में रिषभ सेट्टी आपको देखने को मिले मिलेंगे जिन्होंने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है और उस जगह पे काफ़ी सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हो रही है जहाँ पे गांव वाले पुलिस के सामने रिवोल्ट लेके खड़े हुए हैं यानी कि विद्रोह करके खड़े हुए हैं लेकिन उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है मोटिव क्या है वो सभी चीज़ें अलग हैं तो इस फिल्म में काफ़ी सारे लेयर्स देखने को मिलते हैं जो कहानी है उसके अंदर भी काफ़ी लेयर्स है तो उन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर एक्टर सभी रिषभ सेट्टी है शिवा के रोल में वो काफ़ी दमदार नजर आ रहे थे उन्होंने एक परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई इमोशनली से लेकर एक्शन सीक्वेंस तक थ्रू आउट द फिल्म उनका काम पसंद आएगा कॉमेडी टाइमिंग फिल्म में काफ़ी बढ़िया है एक करोड़ रिक आपको वातावरण देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है वो बढ़िया है इनिशियल पहला जो एक घंटा रहता है वहाँ पर कॉमेडी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है क्लाइमेक्स में जो सबसे टिका जो परफॉर्मेंस है वो आपको स्पीचलेस कर देगा जहाँ पे एक फाइट सीक्वेंस जो क्लाइमेस पोशन में सेट किया हुआ है वो आपका दिमाग घुमा देगा फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता रहता है जहाँ पे कोई भी स्लो मोमेंट देखने को नहीं मिलता है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी अच्छी थी अरेस्टिंग विजुअल थे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में कुछ फनी सीन्स क्रिएट किए हुए ऋषभ शेट्टी और उनकी गेंग के साथ वो अच्छा कॉमेडी क्रिएट करते हैं लव ट्रैक है ऋषभ शेट्टी सप्तमी गौड़ा का उसको रिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम

मास मोमेंट्स के साथ दिखाए हुए फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पे भी ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ में हैंडल किया होता है उसके बाद में जब फिल्म सेकंड हाफ़ में आती है तो थोड़ी डल हो जाती है थोड़े समय के लिए लेकिन वो थोड़े समय के लिए रहता है बाकी उसके बाद ये फिल्म फिर से पिकअप ले लेती है और क्लाइमेक्स आपको ज़रूर पसंद आएगा ओवरऑल फिल्म आपको थोड़ी बहुत प्रिडिक्टेबल लग सकती है लेकिन इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि वो उतना कुछ मैटर नहीं करता है ये फिल्म पूरी तरह से आपको ज़रूर पसंद आएगी कांतारा जो 2022 के की इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज में बनाया गया था बाकी सभी वर्जन में डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया था इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है ये कन्नडा लैंग्वेज मीडियम टू लो बजट फिल्म थी जिसको सिर्फ कर्नाटक में रिलीज किया गया था कन्नड़ा वर्जन में और उसके बाद में फ़िल्म ने जैसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया तो ये फ़िल्म डे बाय डे बेहतरीन कलेक्शन करती हुई नज़र आई थी कर्नाटक बॉक्स ऑफिस के ऊपर उसके बाद में ये फिल्म दूसरे रीजन दूसरे लैंग्वेज में फेमस होने लग गई लोगों के बीच में जिस वजह से इस फिल्म के दूसरे अलग अलग वर्जन जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम वर्जन के लिए मांग किए गए और बाद में मेकर्स ने इस फिल्म को दूसरे वर्जन में डब करते हुए थिएट्रिकल रिलीज़ के करीब दस पंद्रह दिनों के बाद दूसरे सभी वर्जन को रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है ऋषभ शेट्टी ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले सभी उनका है फिल्म का डायरेक्शन भी ऋषभ शेट्टी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो विजय किरंग दुर जिन्होंने इस फिल्म को हम्बाले फिल्म के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने इससे पहले के जी एफ़ और के जी जैसी फिल्मों को रिलीज़ किया हुआ था तो एक प्रोड एक बड़े प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को करीबन 16 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के जो कनाडा कन्नाडा वर्जन के जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है वो हम्बाले फिल्म ने अपने ही पास रखे हुए थे वहीं पे दूसरे दूसरे सभी वर्जनस के लिए इस फिल्म के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए ए फिल्म्स थी तेलुगु वर्जन के लिए गीताट्स मलयालम वर्जन के लिए पृथ्वीराज प्रोडक्शन तमिल वर्जन के लिए ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स तो ये चार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जिन्होंने इन चार डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो ऋषभ सेट्टी सप्तमी गौडा रोल में देखने को मिलेंगे किशोर अच्युत कुमार प्रमोद सेट्टी सनील गुरु प्रकाश सुमिन नांद आपको इस फिल्म इम्पोर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे इनके अलावा मानसी सुधीर నవీన్ డి పాది స్వరాజ శెట్టి దీపక రాజ పనాంజే ప్రదీప్ శెట్టి రక్షిత రామాచంద్రన్ శెట్టి చంద్రకలా రావ పుష్పకరాజ్ బోలారా రఘు పండేశ్వర రావ పుష్పక రాజ బోల్లూరు మీం రామ్దాస్ మాసుమా रंजन साजू राजीव शेट्टी आतिश शेट्टी राधा कृष्णा कुम्बाले और नवीन बोंडेले ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे साइन शेट्टी विनय बिडप्पा और प्रगति ऋषभ शेट्टी आपको इस फिल्म में कैमियो अपीरियंस में देखने को मिलने वाली है तो ये फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए अरविंद एस कश्यप ने एडिटिंग किए हुए के एम प्रकाश और प्रतीक सेट्टी ने जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म ढाई घंटे की देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में बी अद्श लोकनाथ ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म की कहानी को कोविड टाइम के दौरान लिखा हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि नेचर और ह्यूमन के बीच की थीम को लेकर हम एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट बना रहे पहले इस फिल्म को स्पेशली कर्नाटक के लिए ही बनाया गया था कनाडा वर्जन के लिए लेकिन जिस तरह से फिल्म पॉपुलर हुई उस वजह से दूसरी लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती जो संस्कृत ओरिजिन है इसके अलावा इस फिल्म में कनाडा को यूज़ किया गया जो अलग अलग कोस्टल कर्नाटक है वहाँ का जो एक त्यौहार है उसके ऊपर फिल्म को दिखाया हुआ है इसके अलावा भूता कोला जो होता है उसके ऊपर सभी चीज़ों को फिल्म में दिखाया हुआ है तो इन सभी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को नाइनटी सेवनटी नाइन्टी नाइन्टीज़ 90s नाइन्टीज़ के एट्टी नाइन्टी इन सभी चीज़ों के बीच में इन सभी टाइमलाइन के बीच में बताया हुआ है तो जिस वजह से इस फिल्म में आपको काफ़ी अलग अलग लोकेशंस देखने को मिलते हैं अलग अलग कॉस्ट्यूम डिज़ाइन देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके से सेट डिज़ाइन देखने को मिलेंगे तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1890 से लेकर 1990 तक यानी कि 100 सालों का समय अंतराल फिल्म में अलग अलग टाइम पे दिखाया हुआ है तो फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक विलेज में शूट किया हुआ था केराड़ी विलेज के पास में कुछ पंद्रह लोगों को क्र्यू था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से ट करवाया हुआ था अब हम बात करें म्यूज़िक के ऊपर तो इस फिल्म में टोटल छः गाने जहाँ पे इन छः गानों को जैसे कि तुल्लु वर्जन भी इसमें शामिल है जिसके राइट से वो हम्बाले म्यूजिक और ए फिल्म्स वालों ने खरीदे हुए थे वहीं पे कन्नड़ा तमिल तेलुगु मलयालम सभी वर्जन में इन गानों को डब किया हुआ था जिसको कंपोज़ किया हुआ था बी अद्नीश लोकनाथ ने इस फिल्म के गानों के लिए तीस से चालीस म्यूजिशियन का यूज़ किया गया था ये सभी गाने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ जा रहे थे जहाँ पे 2022 में इनको रिकॉर्ड किया गया था 15 अगस्त 2022 को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था तो वहाँ से अपने कर कर पाओगे। वहीं पे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कैरेक्टर्स के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी ने काडोबेटू शिवा और शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है सत्यवनी गौडा ने इस फिल्म में लीला का रोल प्ले किया हुआ है किशोर ने मुरलीधर का रोल प्ले किया हुआ था तो जो डेप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे अच्युत कुमार ने देव तो देवेंद्र सुतारू का रोल प्ले किया हुआ है प्रमोद शेट्टी ने सुधाकर का रोल प्ले किया हुआ है सानिल गुरु ने बुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश थमीन ने इस फिल्म में रामपा का रोल प्ले किया हुआ है मानसी सुधीर ने कमला यानी कि सेवा की मां का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नवीन डी पाडिल ने इस फिल्म में लोयर का रोल प्ले किया हुआ है सौरज शेट्टी ने गुरुआ का रोल प्ले किया हुआ था जो शिवा के कजिन ब्रदर थे वहीं पर दीपक राय पानाजा ने इस फिल्म में सुंदरा का रोल प्ले किया हुआ था प्रदीप शेट्टी ने मोहाना का रोल प्ले किया हुआ था इस तरह से सभी आर्टिस्ट ने अलग अलग रोल को प्ले किया हुआ था कहानी के ऊपर बातचीत करते इस फिल्म की कहानी 1847 से स्टार्ट होती है जहाँ पे कुडुंगपुर विलेज में कहानी को सेट किया हुआ है कर्नाटक का एक विलेज है जहाँ का एक किंग है अपने एरिया का जो एक किंग है वो अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं है उसकी लाइफ में कोई शांति पीस नहीं है तो इन सभी चीज़ों के लिए वो काफ़ी रास्ते में निकल पड़ता है ढूंढने के लिए तो किसी एक दिन उसको एक जंगल में जाके एक ऐसी चीज़ एक शांति मिलती है जिसकी वजह से कुछ ऐसे उस शांति की वजह से वो गांव वालों के साथ कुछ ऐसी डील करता है जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है जो गांव का एरिया है वो उनको गांव वालों को दे देगा उसके बदले वो उसको वो पीस मिल जाएगी तो इन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से उन्होंने किया जिस वजह से उनको वो पीस मिल गई शांति मिल गई उसके बाद में नाइन्टीज़ का समय बताया जाता है जहाँ पे किंग का जो बेटा है यानी कि उनके जो वंशज है वो जमीन को फिर से हत्याने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो बाद में मर जाता है उसके बाद में एक और किंग के वंशज को बताया जाता है जिसको काफी अच्छा इंसान बताया जाता है जहाँ पे वो कहानी है वो नाइनटीन में सेट है और उस नाइन्टीन की कहानी में रिषभ सेट्टी आपको देखने को मिले मिलेंगे जिन्होंने सिवा का रोल प्ले किया हुआ है और उस जगह पे काफ़ी सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हो रही है जहाँ पे गांव वाले पुलिस के सामने रिवोल्ट लेके खड़े हुए हैं यानी कि विद्रोह करके खड़े हुए लेकिन उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है मोटिव क्या है वो सभी चीज़ें अलग हैं तो इस फिल्म में काफ़ी सारे लेयर्स देखने को मिलते हैं जो कहानी है उसके अंदर भी काफ़ी लेयर्स है तो उन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर एक्टर सभी रिषभ सेट्टी है सिवा के रोल में वो काफ़ी दमदार नजर आ रहे थे उन्होंने एक परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई इमोशनली से लेकर एक्शन सीक्वेंस तक थ्रू आउट द फिल्म उनका काम पसंद आएगा कॉमेडी टाइमिंग फिल्म में काफ़ी बढ़िया है एक करोड़ रस्टिक आपको वातावरण देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है वो बढ़िया है इनिशियल पहला जो एक घंटा रहता है वहाँ पर कॉमेडी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है क्लाइमेक्स में जो रक्सरी सबसे टीका जो परफॉर्मेंस है वो आपको स्पीचलेस कर देगा जहां पे एक फाइट सीक्वेंस जो क्लाइमेक्स पोशन में सेट किया हुआ है वो आपका दिमाग घुमा देगा फर्स्ट हाफ फिल्म का काफी एंगेजिंग है स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता रहता है जहाँ पे कोई भी स्लो मोमेंट देखने को नहीं मिलता है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी अच्छी थी अरेस्टिंग विजुअल थे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में कुछ फनी सीन्स क्रिएट किए हुए ऋषभ शेट्टी और उनकी गेंग के साथ वो अच्छा कॉमेडी क्रिएट करते हैं लव ट्रैक है ऋषभ शेट्टी सप्तमी गौड़ा का उसको रिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है उनके पार्ट का उन्होंने बखूबी काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है इसके अलावा अच्युत कुमार किशोर कुमार जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट भी आपको देखने मिलते जिनको एक अच्छा खासा रोल दिया गया था अपने रोल के साथ पूरी तरह से वो जस्टिफाई करते हुए नजर आते एक्शन फिल्म के काफ़ी हाई है सोलिड है जिसको आपको देखने में और भी ज्यादा मज़ा आएगा फिल्म की जो प्रोसीडिंग है एंटायर प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूँ वो रोमिनर में की गई है वो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म में आपको काफी ज्यादा घुस मोमेंट्स बम्प वाले मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जो एक मास मोमेंट्स के साथ दिखाए हुए फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पे भी ये सभी चीजें देखने को मिलती है जो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ में हैंडल किया होता है उसके बाद में जब फिल्म सेकंड हाफ में आती है तो थोड़ी डल हो जाती है थोड़े समय के लिए लेकिन वो थोड़े समय के लिए रहता है बाकी उसके बाद ये फ़िल्म फिर से पिकअप ले लेती है और क्लाइमैक्स आपको ज़रूर पसंद आएगा ओवरऑल फिल्म आपको थोड़ी बहुत प्रिडिक्टेबल लग सकती है लेकिन इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि वो उतना कुछ मैटर नहीं करता है ये फिल्म पूरी तरह से आपको ज़रूर पसंद आएगी इस फिल्म को ज़रूर पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था थोड़ा लव स्टोरी वाला एंगल है थोड़े कुछ अननेसेसरी सीन्स है फ्रेंड्स के बीच के उसको चॉप आउट किए जा सकते थे वैसे टेक्निकली ये फिल्म काफ़ी ब्रिलियंट है जहाँ पे इस फिल्म का म्यूजिक है वो काफ़ी शानदार है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे जिस तरह जो सीन थे उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से और इफ़ेक्टिव बना रहा था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है किसी बिग बजट फिल्म को भी पीछे छोड़ दे इस तरह की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म में विजुअल्स आपको जरूर पसंद आएंगे हर एक फ्रेम को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है रस्टिक नेचर देखने को मिलता है सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है विलेज और फॉरेस्ट के लोकल स को काफी रियलिस्टिक रखा हुआ है रिसभ सेट्टी का जो डिरेक्शन है वो काफी बढ़िया है उन्होंने फर्स्ट को इंटरेस्टिंग मैनर में नेरेट किया हुआ तो सेकंड हाफ में स्टार्टिंग में ठीक ठीक फिल्म थी उसके बाद में एंड में तो उनका ही परफॉर्मेंस फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है इस फिल्म में आपको कर्नाटक का जो ट्रेडिशन है कल्चर है कोस्टल कर्नाटक का दक्षिण कर्नाटक का वो देखने को मिलता है जिसको बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है सभी को ये सभी चीजें पसंद आएगी तो कांतारा क्रस्टिक विले ड्रामा फिल्म है जो सभी टाइप की ऑडियंस को पसंद आएगी जहाँ पे ग्रीटिंग मैनर का नेरेशन आपको जरूर इम्प्रूव करेगा इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से जो वो सभी मोमेंट है वो सभी चीजें हैं जिसका मिश्रण बैलेंस वे में किया हुआ है जिस वजह से फिल्म सभी को पसंद आएगी इस फिल्म के अब रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते हैं 30 सितंबर 2022 को इस फिल्म को कनाडा वर्जन में रिलीज किया गया था 16 करोड़ के बजट के साथ उसके बाद में इस फिल्म को करीबन 10-15 दिनों के बाद 14 अक्टूबर को हिंदी वर्ज़न में वहीं पे 15 अक्टूबर को तेलुगु और तमिल वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था वहीं पे मलयालम वर्ज़न है उसको 20 अक्टूबर 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था हिंदी वर्जन को जब रिलीज़ किया गया तब करीबन पूरे कंट्री में हिंदी वर्जन के आठ के करीब स्क्रीन्स लगे हुए थे लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया उसके चलते फिल्म के स्क्रीन्स पच्चीस से तीन तक कर दिए गए थे इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर ए फिल्म थे वहीं पर तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर गीता थे वहीं तमिल डिस्ट्रीब्यूटर ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थे और पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने मलयालम वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को रिलीज किया गया काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहाँ पे इस फिल्म ने बुक माय शो के ऊपर 99% की रेटिंग हासिल की हुई थी 60000 वोट पे और ऐसा होने वाली यह फिल्म पहली फिल्म थी उस वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को आईएमडी पे करीबन तीस हजार वोट मिले हुए जिसमें नौ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से फिल्म को काफी बढ़िया रिस्पांस मिला क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करते हुए धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने स्लो स्टार्ट लिया हुआ था सिर्फ कन्नड़ा वर्जन में फिल्म को रिलीज किया गया था साढ़े करोड़ के आसपास का पहले दिन का कलेक्शन आया था उसका अगर ग्रोथ करें तो छः करोड़ के आसपास का होता है उसके बाद में इस फिल्म का जो वीकेंड था वो करीबन अः uh, तेईस करोड़ के आसपास का था उसके बाद में इस फिल्म ने पहले मंडे के दिन चार करोड़ का कलेक्शन किया उसके बाद में डे बाय डे फिल्म ने ग्रोथ लेता रहा छठे दिन फिल्म ने करीबन आठ से नौ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पहला वीक काफ़ी बढ़िया तरीके से 40-45 करोड़ का लिया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म डे बाय डे कलेक्शन बढ़ाती रही उसके बाद में 10-15 दिनों के बाद इसके सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा वर्जन भी एड होते गए जिसकी वजह से ये फिल्म 15-16 करोड़ के बजट के सामने सत्रह अठारह दिनों में एक करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करती हुई नज़र आई जहाँ पर एक ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने कन्नड़ा वर्जन में कन्नड़ा लैंग्वेज में हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में जो लिस्ट है उसमें अपना दर्जे के ऊपर टॉप फाइव की लिस्ट में एंट्री ले ली थी जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से दूसरे वर्जन में भी कलेक्शन किए हुए जहाँ पे हिंदी वर्जन तेलुगु वर्जन खास करके बढ़िया वर्क कर गए जहाँ पे हिंदी वर्जन को एक दिन पहले रिलीज किया गया था तो उस वर्जन ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था हिंदी वर्जन में फिल्म को वैसे डिसेंट स्क्रीनस दिए गए थे एक डिसेंट हाइप थी पहले दिन करीबन रिसभ सबसे टी वैसा कोई बड़ा नाम नहीं था हिंदी मार्केट में लेकिन उसके बावजूद पहले दिन फिल्म ने करीबन एक करोड़ सत्ताईस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन दो करोड़ पचहत्तर लाख का किया हुआ था संडे के दिन फिल्म ने तीन करोड़ पचास लाख का ग्रोस कलेक्शन किया साढ़े सात करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन कर सॉरी नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में एक अच्छा खासा कलेक्शन किया <laughs> वहीं पे तेलुगु वर्जन में इस फिल्म ने पहले दिन कुछ साढ़े चार करोड़ के आसपास दूसरे दिन कुछ पाँच करोड़ के आसपास इसे कलेक्शन करते हुए दस करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन किया और दो ही दिनों में इस फिल्म ने डबल ब्लॉक बस्टर का टेग हासिल कर लिया क्योंकि ब्रेक इवन टारगेट बहुत कम रखा गया था तो उस वजह से कांतारा फिल्म हिंदी और तेलुगु वर्जन में भी अच्छी तरह से वर्क कर गई और फिलहाल में वो मंडे टेस्ट भी पास कर चुकी है तो ये फिल्म और भी लंबा रन लेने वाली है सभी वर्जन में और सामने दिवाली आ रही है तो ये फिल्म अच्छा खासा एक ग्रोथ हासिल करेगी और एक अच्छा खासा कलेक्शन करके जाएगी करीबन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस फिल्म का 200 करोड़ के आसपास का हो सकता है तो बस गाइज कांतारा फिल्म काफ़ी बढ़िया वर्क कर चुकी है तो ये फिल्म आप कहाँ पे कैसे सैटेलाइट ओटीटी पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए सभी वर्जनस के करीबन साठ से सत्तर करोड़ के आसपास में तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रन के बाद अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तेलुगू तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे कनाडा मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है उसके थिएट्रिकल रिलीज के करीबन छः सात महीनों के बाद ये सभी वर्जन आपको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टीवी चैनल मूवीज टीवी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे टेलीविजन के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कांतारा फिल्म आपको ओटी पे अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी थिएट्रिकल

जिसको सिर्फ कर्नाटक में रिलीज़ किया गया था कन्नड़ा वर्ज़न में और उसके बाद में फिल्म ने जैसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया तो ये फिल्म डे बाय डे बेहतरीन कलेक्शन करती हुई नज़र आई थी कर्नाटक बॉक्स ऑफिस के ऊपर उसके बाद में ये फिल्म दूसरे रीजन दूसरे लैंग्वेज में फेमस होने लग गई लोगों के बीच में जिस वजह से इस फिल्म के दूसरे अलग अलग वर्ज़न जैसे कि हिंदी तमिल तेलगू मलयालम वर्जन के लिए मांग किए गए और बाद में मेकर्स ने इस फिल्म को दूसरे वर्जन में डब करते हुए थिएट्रिकल रिलीज़ के करीबन 10-15 दिनों के बाद दूसरे सभी वजन को रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है ऋषभ शेट्टी ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले सभी उनका है फिल्म का डायरेक्शन भी ऋषभ शेट्टी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो विजय किरंग दुर जिन्होंने इस फिल्म को हम्बाले फिल्म के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने इससे पहले के और के जी जैसी फिल्मों को रिलीज़ किया हुआ था तो एक बड़, एक बड़े प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को करीबन सोलह करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के जो कनाडा कन्नाडा वर्जन के जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है वो हम्बाले फिल्म ने अपने ही पास रखे हुए थे वहीं पे दूसरे दूसरे सभी वर्जनस के लिए इस फिल्म के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए ए फिल्म्स थी तेलुगु वर्जन के लिए गीताट्स मलयालम वर्जन के लिए पृथ्वीराज प्रोडक्शन तमिल वर्जन के लिए ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स तो ये चार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जिन्होंने इन चार डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो ऋषभ सेट्टी सप्तमी गौडा रोल में देखने को मिलेंगे किशोर अच्युत कुमार प्रमोद सेट्टी सनील गुरु प्रकाश सुमिन नांद आपको इस फिल्म इम्पोर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे इनके अलावा मानसी सुधीर नवीन डी पाटिल स्वराज शेट्टी दीपक राज पन्नाजे प्रदीप सेट्टी रक्षित रामचंद्रन शेट्टी चंद्रकला राव पुष्पक राज बोलारा रघु पंडेश्वर राव पुष्पक राज बोलुरु मीम रामदास मासुमा कडगु रंजन साजू राजीव शेट्टी आतिश सेट्टी राधा कृष्णा कुम्बाले और नवीन बोंडेले ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे साइन सेट्टी विनय बिडप्पा और प्रगति ऋषभ शेट्टी आपको इस फिल्म में कैम्यूपीरेंस में, में देखने को मिलने वाली है तो ये फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए अरविंद एस कश्यप ने एडिटिंग किए हुए के एम प्रकाश और प्रतीक सेट्टी ने जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म ढाई घंटे की देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में बी अद्श लोकनाथ ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज़ किए हुए हैं अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो ऋषभ सेट्टी ने इस फिल्म की कहानी को कोविड टाइम के दौरान लिखा हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि नेचर और ह्यूमन के बीच की थीम को लेकर हम एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट बना रहे पहले इस फिल्म को स्पेशली कर्नाटक के लिए ही बनाया गया था कनाडा वर्जन के लिए लेकिन जिस तरह से फिल्म पॉपुलर हुई उस वजह से दूसरी लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था जहाँ पर इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती जो संस्कृत ओरिजिन है इसके अलावा इस फिल्म में कनाडा को यूज़ किया गया जो अलग अलग पोस्टल कर्नाटक है वहाँ का जो एक त्यौहार है उसके ऊपर फिल्म को दिखाया हुआ है इसके अलावा भूता कोला जो होता है उसके ऊपर सभी चीज़ों को फिल्म में दिखाया हुआ है तो इन सभी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को नाइन्टी सेवेंटी नाइन्टी नाइन्टीज नाइन्टी नाइन्टीज़ के एट्टी नाइन्टी इन सभी चीज़ों के बीच में इन सभी टाइमलाइन के बीच में, में बताया हुआ है तो जिस वजह से इस फिल्म में आपको काफ़ी अलग, अलग अलग लोकेशंस देखने को मिलते हैं अलग अलग कॉस्ट्यूम डिजाइन देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके से सेट डिज़ाइन देखने को मिलेंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1890 से लेकर 1990 तक यानी कि 100 सालों का समय अंतरार में अलग अलग टाइम पे दिखाया हुआ है तो फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक विलेज में शूट किया हुआ था केराड़ी विलेज के पास में कुछ पंद्रह लोगों को क्र्यू था जहाँ पे इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें म्यूजिक के ऊपर तो इस फिल्म में टोटल छः गाने जहां पे इन छः गानों को जैसे कि तुल्लु वर्जन भी इसमें शामिल है जिसके राइट से वो हम्बाले म्यूजिक और ए फिल्म्स वालों ने खरीदे हुए थे वहीं पे कन्नडा तमिल तेलुगु मलयालम सभी वर्जन में इन गानों को डब किया हुआ था जिसको कंपोज किया हुआ था बी अद्श लोकनाथ ने इस फिल्म के गानों के लिए तीस से चालीस म्यूजिशियन का यूज़ किया गया था ये सभी गाने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ जा रहे थे जहाँ पे दो में इनको रिकॉर्ड किया गया था पंद्रह अगस्त दो को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था तो वहाँ से अभी कर कर पाओगे वहीं पे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कैरेक्टर्स के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी ने बेट्टू शिवा और शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है सत्यवनी गौड़ा ने इस फिल्म में लीला का रोल प्ले किया हुआ है किशोर ने मुरलीधर का रोल प्ले किया हुआ था तो जो डेप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे अच्युत कुमार ने देव तो देवेंद्र सुतारू का रोल प्ले किया हुआ है प्रमोद शेट्टी ने सुधाकर का रोल प्ले किया हुआ है सानिल गुरु ने बुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश थुमिनान ने इस फिल्म में रामपा का रोल प्ले किया हुआ है मानसी सुधीर ने कमला यानी कि सेवा की मां का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नवीन डी पाडिल ने इस फिल्म में लोयर का रोल प्ले किया हुआ है सौराज शेट्टी ने गुरुआ का रोल प्ले किया हुआ था जो शिवा के कजिन ब्रदर थे वहीं पर दीपक राय पानाजा ने इस फिल्म में सुंदरा का रोल प्ले किया हुआ था प्रदीप शेट्टी ने मोहाना का रोल प्ले किया हुआ था इस तरह से सभी आर्टिस्ट ने अलग अलग रोल को प्ले किया हुआ था कहानी के ऊपर बातचीत करते इस फिल्म की कहानी 1847 से स्टार्ट होती है जहाँ पे कुडुंगपुर विलेज में कहानी को सेट किया हुआ है कर्नाटक का एक विलेज है जहाँ का एक किंग है अपने एरिया का जो एक किंग है वो अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं है उसकी लाइफ में कोई शांति पीस नहीं है तो इन सभी चीज़ों के लिए वो काफ़ी रास्ते में निकल पड़ता है ढूंढने के लिए तो किसी एक दिन उसको एक जंगल में जाके एक ऐसी चीज़ एक शांति मिलती है जिसकी वजह से कुछ ऐसे उस शांति की वजह से वो गांव वालों के साथ कुछ ऐसी डील करता है जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है जो गांव का एरिया है वो उनको गांव वालों को दे देगा उसके बदले वो उसको वो पीस मिल जाएगी तो इन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से उन्होंने किया जिस वजह से उनको वो पीस मिल गई शांति मिल गई उसके बाद में नाइन्टीज का समय बताया जाता है जहाँ पे किंग का जो बेटा है यानी कि उनके जो वंशज हैं वो जमीन को फिर से हत्याने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो बाद में मर जाता है उसके बाद में एक और किंग के वंशज को बताया जाता है जिसको काफी अच्छा इंसान बताया जाता है जहाँ पे वो कहानी है वो नाइनटीन में सेट है और उस नाइनटीन की कहानी में रिशभ सिट्टी आपको देखने को मिले मिलेंगे जिन्होंने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है और उस जगह पे काफ़ी सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हो रही है जहाँ पे गांव वाले पुलिस के सामने रिवोल्ट लेके खड़े हुए हैं यानी कि विद्रोह करके खड़े हुए लेकिन उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है मोटिव क्या है वो सभी चीज़ें अलग हैं तो इस फिल्म में काफ़ी सारे लेयर्स देखने को मिलते हैं जो कहानी है उसके अंदर भी काफ़ी लेयर्स है तो उन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर एक्टर सभी रिषभ सेट्टी है सिवा के रोल में वो काफ़ी दमदार नजर आ रहे थे उन्होंने एक परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई इमोशनली से लेकर एक्शन सीक्वेंस तक थ्रू आउट द फिल्म उनका काम पसंद आएगा कॉमेडी टाइमिंग फिल्म में काफ़ी बढ़िया है एक करोड़ रस्टिक का आपको वातावरण देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है वो बढ़िया है इनिशियल पहला जो एक घंटा रहता है वहाँ पर कॉमेडी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है क्लाइमेक्स में जो रक्सरी सबसे टीका जो परफॉर्मेंस है वो आपको स्पीचलेस कर देगा जहाँ पे एक फाइट सीक्वेंस जो क्लाइमेक् पोशन में सेट किया हुआ है वो आपका दिमाग घुमा देगा फर्स्ट हाफ फिल्म का काफी एंगेजिंग स्क्रीन प्ले काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता रहता है जहाँ पे कोई भी स्लो मोमेंट देखने को नहीं मिलता है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी अच्छी थी अरेस्टिंग विजुअल थे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में कुछ फनी सीन्स क्रिएट किए हुए ऋषभ शेट्टी और उनकी गैंग के साथ वो अच्छा कॉमेडी क्रिएट करते हैं लव ट्रेक है ऋषभ सेट्टी सप्तमी गौड़ा का उसको रिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम किया हुआ है उनके पार्ट का उन्होंने बखूबी काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है इसके अलावा अच्युत कुमार किशोर कुमार जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं जिनको एक अच्छा खासा रोल दिया गया

इस फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ में हैंडल किया होता है उसके बाद में जब फिल्म सेकंड हाफ में आती है तो थोड़ी डल हो जाती है थोड़े समय के लिए लेकिन वो थोड़े समय के लिए रहता है बाकी उसके बाद ये फ़िल्म फिर से पिकअप ले लेती है और क्लाइमैक्स आपको ज़रूर पसंद आएगा ओवरऑल फिल्म आपको थोड़ी बहुत प्रिडिक्टेबल लग सकती है लेकिन इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि वो उतना कुछ मैटर नहीं करता है ये फिल्म पूरी तरह से आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म को जरूर पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था थोड़ा लव स्टोरी वाला एंगल है थोड़े कुछ अननेसेसरी सीन्स है फ्रेंड्स के बीच उसको चॉप आउट किए जा सकते थे वैसे टेक्निकली ये फिल्म काफ़ी ब्रिलियंट है जहाँ पे इस फिल्म का म्यूजिक है वो काफ़ी शानदार है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे जिस तरह जो सीन थे उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से और इफ़ेक्टिव बना रहा था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है किसी बिग बजट फिल्म को भी पीछे छोड़ दे इस तरह की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म में विजुअल्स आपको जरूर पसंद आएंगे हर एक फ्रेम को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है रस्टिक नेचर देखने को मिलता है सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है विलेज और फॉरेस्ट के लोकल को काफी रियलिस्टिक रखा हुआ है रिसभ सेट्टी का जो डिर है वो काफी बढ़िया है उन्होंने फर्स्ट हाफ को इंटरेस्टिंग मैनर में नेरेट किया हुआ था सेकंड हाफ में स्टार्टिंग में ठीक ठीक फिल्म थी उसके बाद में एंड में तो उनका ही परफॉर्मेंस फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है इस फिल्म में आपको कर्नाटक का जो ट्रेडिशन है कल्चर है कोस्टल कर्नाटक का दक्षिण कर्नाटक का वो देखने को मिलता है जिसको बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है सभी को ये सभी चीजें पसंद आएगी तो कांतारा क्रस्टिक विलेज ड्रामा फिल्म है जो सभी टाइप की ऑडियंस को पसंद आएगी जहाँ पे ग्रीटिंग मैनर का नेरेशन आपको जरूर इम्प्रूव करेगा इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से जो वो सभी मोमेंट है वो सभी चीजें हैं जिसका मिश्रण बैलेंस वे में किया हुआ है जिस वजह से फिल्म सभी को पसंद आएगी इस फिल्म के अब रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते हैं 30 सितंबर 2022 को इस फिल्म को कन्नड़ा वर्जन में रिलीज किया गया था 16 करोड़ के बजट के साथ उसके बाद में इस फिल्म को करीबन 10-15 दिनों के बाद 14 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में वहीं पे 15 अक्टूबर को तेलुगु और तमिल वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था वहीं पे मलयालम वर्ज़न है उसको 20 अक्टूबर 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था हिंदी वर्जन को जब रिलीज़ किया गया तब करीबन पूरे कंट्री में हिंदी वर्जन के आठ के करीब स्क्रीन्स लगे हुए थे लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया उसके चलते फिल्म के स्क्रीन्स पच्चीस से तीन तक कर दिए गए थे इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर ए फिल्म थे वहीं पर तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर गीता आठ थे वहीं तमिल डिस्ट्रीब्यूटर ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थे और पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने तमिलनाडु मलयालम वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को रिलीज किया गया काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे इस फिल्म ने बुक माय शो के ऊपर 99% की रेटिंग हासिल की हुई थी 60000 वोट पे और ऐसा होने वाली यह फिल्म पहली फिल्म थी उस वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को आईएमडी पे करीबन तीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें नौ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करते हुए धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने स्लो स्टार्ट लिया हुआ था सिर्फ कनाड़ा वर्जन में फिल्म को रिलीज किया गया था साढ़े करोड़ के आसपास का पहले दिन का कलेक्शन आया था उसका अगर ग्रोथ करें तो छः करोड़ के आसपास का होता है उसके बाद में इस फिल्म का जो वीकेंड था वो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था उसके बाद में इस फिल्म ने पहले मंडे के दिन चार करोड़ का कलेक्शन किया उसके बाद में डे बाय डे फिल्म ने ग्रोथ लेता रहा छठे दिन फिल्म ने करीबन आठ से नौ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पहला वीक काफ़ी बढ़िया तरीके से 40-45 करोड़ का लिया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म डे बाय डे कलेक्शन बढ़ाती रही उसके बाद में 10-15 दिनों के बाद इसके सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलगू मलयालम कन्नड़ा वर्जन भी एड होते गए जिसकी वजह से ये फिल्म 15-16 करोड़ के बजट के सामने सत्रह अठारह दिनों में एक करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करती हुई नज़र आई जहाँ पर एक ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने कन्नड़ा वर्जन में कन्नड़ा लैंग्वेज में हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में जो लिस्ट है उसमें अपना दर्जे के ऊपर टॉप फाइव की लिस्ट में एंट्री ले ली थी जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से दूसरे वर्जन में भी कलेक्शन किए हुए जहाँ पे हिंदी वर्जन तेलुगु वर्जन खास करके बढ़िया वर्क कर गए जहाँ पे हिंदी वर्जन को एक दिन पहले रिलीज किया गया था तो उस वर्जन ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था हिंदी वर्जन में फिल्म को वैसे डिसेंट स्क्रीन दिए गए थे एक डिसेंट हाइप थी पहले दिन करीबन रिश से टी वैसा कोई बड़ा नाम नहीं था हिंदी मार्केट में लेकिन उसके बावजूद पहले दिन फिल्म ने करीबन एक करोड़ सत्ताईस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन दो करोड़ पचहत्तर लाख का किया हुआ था संडे के दिन फिल्म ने तीन करोड़ पचास लाख का ग्रोस कलेक्शन किया साढ़े सात करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन कर सॉरी नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में अच्छा खासा कलेक्शन किया वहीं पे तेलुगु वर्जन में इस फिल्म ने पहले दिन कुछ साढ़े चार करोड़ के आसपास दूसरे दिन कुछ पाँच करोड़ के आसपास ऐसे कलेक्शन करते हुए दस करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन किया और दो ही दिनों में इस फिल्म ने डबल ब्लॉक बस्टर का टेग हासिल कर लिया क्योंकि ब्रेक इवन टारगेट बहुत कम रखा गया था तो उस वजह से कांतारा फिल्म हिंदी और तेलुगु वर्जन में भी अच्छी तरह से वर्क कर गई और फिलहाल में वो मंडे टेस्ट भी पास कर चुकी है तो ये फिल्म और भी लंबा रन लेने वाली है सभी वर्जन्स में और सामने दिवाली आ रही है तो ये फिल्म अच्छा खासा एक ग्रोथ हासिल करेगी और एक अच्छा खासा कलेक्शन कर के जाएगी करीबन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस फिल्म का दो सौ करोड़ के आसपास का हो सकता है तो बस गायज कांतारा फिल्म काफ़ी बढ़िया वर्क कर चुकी है तो ये फिल्म आप कहाँ पे कैसे सैटेलाइट, ओटीटी पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए सभी वर्जनस के करीबन साठ से सत्तर करोड़ के आसपास में तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रन के बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तेलुगू तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहाँ पे कन्नडा मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है उसके थिएट्रिकल रिलीज के करीबन छः सात महीनों के बाद ये सभी वर्जन आपको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टीवी चैनल मूवीज टीवी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे टेलीविजन के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कांतारा फिल्म आपको ओ पे अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी थिएट्रिकल

जिसको सिर्फ कर्नाटक में रिलीज़ किया गया था कन्नड़ा वर्ज़न में और उसके बाद में फ़िल्म ने जैसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया तो ये फिल्म डे बाय डे बेहतरीन कलेक्शन करती हुई नज़र आई थी कर्नाटक बॉक्स ऑफिस के ऊपर उसके बाद में ये फिल्म दूसरे रीजन दूसरे लैंग्वेज में फेमस होने लग गई लोगों के बीच में जिस वजह से इस फिल्म के दूसरे अलग अलग वर्ज़न जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम वर्जन के लिए मांग की गई और बाद में मेकर्स ने इस फिल्म को दूसरे वर्जन में डब करते हुए थिएट्रिकल रिलीज़ के करीब 10-15 दिनों के बाद दूसरे सभी वजन को रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है ऋषभ शेट्टी ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले सभी उनका है फिल्म का डायरेक्शन भी ऋषभ शेट्टी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात कर तो विजय किरंग दुर जिन्होंने इस फिल्म को हम्बाले फिल्म के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने इससे पहले के और के जी जैसी फिल्मों को रिलीज़ किया हुआ था तो एक एक बड़े प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को करीबन सोलह करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के जो कनाडा कन्नाडा वर्जन के जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है वो हम्बाले फिल्म ने अपने ही पास रखे हुए थे वहीं पे दूसरे दूसरे सभी वर्जनस के लिए इस फिल्म के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए ए फिल्म्स थी तेलुगु वर्जन के लिए गीताट्स मलयालम वर्जन के लिए पृथ्वीराज प्रोडक्शन तमिल वर्जन के लिए ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स तो ये चार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जिन्होंने इन चार डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो ऋषभ सेट्टी सप्तमी गौडा रोल में देखने को मिलेंगे किशोर अच्युत कुमार प्रमोद सेट्टी सनील गुरु प्रकाश सुमिन नांद आपको इस फिल्म इंपोर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे इनके अलावा मानसी सुधीर नवीन डी पाटिल स्वराज शेट्टी दीपक राज पन्नाजे प्रदीप सेट्टी रक्षित रामचंद्रन शेट्टी चंद्रकला राव पुष्पक राज बोलारा रघु पंडेश्वर राव पुष्पक राज बोलुरु मीम रामदास मासुमा कडगु रंजन साजू राजीव शेट्टी आतिश सेट्टी राधा कृष्णा कुम्बाले और नवीन बोंडेले ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे साइन सेट्टी विनय बिडप्पा और प्रगति ऋषभ शेट्टी आपको इस फिल्म में कम्यूपीर में, में देखने को मिलने वाली है तो ये फिल्म के कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए अरविंद एस कश्यप ने एडिटिंग किए हुए के एम प्रकाश और प्रतीक सेट्टी ने जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म ढाई घंटे की देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में बी अद्श लोकनाथ ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म की कहानी को कोविड टाइम के दौरान लिखा हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि नेचर और ह्यूमन के बीच की थीम को लेकर हम एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट बना रहे पहले इस फिल्म को स्पेशली कर्नाटक के लिए ही बनाया गया था कनाडा वर्जन के लिए लेकिन जिस तरह से फिल्म पॉपुलर हुई उस वजह से दूसरी लैंग्वेज इसमें फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती जो संस्कृत ओरिजिन है इसके अलावा इस फिल्म में कनाडा को यूज़ किया गया है जो अलग अलग कोस्टल कर्नाटक है वहाँ का जो एक त्यौहार है उसके ऊपर फिल्म को दिखाया हुआ है इसके अलावा भूता कोला जो होता है उसके ऊपर सभी चीज़ों को फिल्म में दिखाया हुआ है तो इन सभी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को नाइन्टी सेवेंटी नाइन्टी नाइन्टीज़ नाइन्टी नाइन्टीज़ के एट्टी नाइन्टी इन सभी चीज़ों के बीच में इन सभी टाइमलाइन के बीच में बताया हुआ है तो जिस वजह से इस फिल्म में आपको काफ़ी अलग अलग लोकेशंस देखने को मिलते हैं अलग अलग कॉस्ट्यूम डिजाइन देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके से सेट डिज़ाइन देखने को मिलेंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अट्ठारह से लेकर उन्नीस तक यानी कि 100 सालों का समय आर फिल्म में अलग अलग टाइम पे दिखाया हुआ है तो फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक विलेज में शूट किया हुआ था केराड़ी विलेज के पास में कुछ पंद्रह लोगों को क्र्यू था जहाँ पे इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके तरीके से कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें म्यूज़िक के ऊपर तो इस फिल्म में टोटल छः गाने हैं जहाँ पे इन छः गानों को जैसे कि तुल्लू वर्जन भी इसमें शामिल है इस चीज़ के राइट से वो हम्बाले म्यूज़िक और ए फिल्म्स वालों ने ख़रीदे हुए थे वहीं पे कन्नड़ा तमिल तेलुगु, मलयालम सभी वर्जन में इन गानों को डब किया हुआ था जिसको कंपोज किया था बी अदनीस ने इस फिल्म के गानों के लिए 30 से 40 म्यूजिशियन का यूज़ किया गया था ये सभी गाने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ जा रहे थे जहाँ पे 2022 में इनको रिकॉर्ड किया गया था 15 अगस्त 2022 को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे सभी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ था तो वहाँ से आप इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कैरेक्टर्स के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी ने कडो बेटू शिवा और शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है सत्यवनी गोबड़ा ने इस फिल्म में लीला का रोल प्ले किया हुआ है किशोर ने मुरलीधर का रोल क्या हुआ था जो डेप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे अच्युत कुमार ने देवंत तो देवेंद्र सुतारू का रोल प्ले किया हुआ है प्रमोद शेट्टी ने सुधाकर का रोल प्ले किया हुआ है सानिल गुरु ने बुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश थुमिनान ने इस फिल्म में रामपा का रोल प्ले किया हुआ है मानसी सुधीर ने कमला यानी कि सेवा की, की मां का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नवीन डी पाडिल ने इस फिल्म में लोयर का रोल प्ले किया हुआ है सौरज शेट्टी ने गुरुआ का रोल प्ले किया हुआ था जो शिवा के कजिन ब्रदर थे वहीं पर दीपक राय पानाजा ने इस फिल्म में सुंदरा का रोल प्ले किया हुआ था प्रदीप शेट्टी ने मोहाना का रोल प्ले किया हुआ था इस तरह से सभी आर्टिस्ट ने अलग अलग रोल को प्ले किया हुआ था कहानी के ऊपर बातचीत करते इस फिल्म की कहानी 1847 से स्टार्ट होती है जहाँ पे कुडुंगपुर विलेज में कहानी को सेट किया हुआ है कर्नाटक का एक विलेज है जहाँ का एक किंग है अपने एरिया का जो एक किंग है वो अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं है उसकी लाइफ में कोई शांति पीस नहीं है तो इन सभी चीज़ों के लिए वो काफ़ी रास्ते में निकल पड़ता है ढूंढने के लिए तो किसी एक दिन उसको एक जंगल में जाके एक ऐसी चीज़ एक शांति मिलती है जिसकी वजह से कुछ ऐसे उस शांति की वजह से वो गांव वालों के साथ कुछ ऐसी डील करता है जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है जो गांव का एरिया है वो उनको गांव वालों को दे देगा उसके बदले वो उसको वो पीस मिल जाएगी तो इन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से उन्होंने किया जिस वजह से उनको वो पीस मिल गई शांति मिल गई उसके बाद में नाइन्टीज का समय बताया जाता है जहाँ पे किंग का जो बेटा है यानि कि उनके जो वंशज हैं वो ज़मीन को फिर से हत्याने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो बाद में मर जाता है उसके बाद में एक और किंग के वंशज को बताया जाता है जिसको काफ़ी अच्छा इंसान बताया जाता है जहाँ पे वो कहानी है वो नाइन्टीन नाइन्टीज में सेट है और उस नाइन्टीन नाइन्टीज़ की कहानी में रिषभ सेट्टी आपको देखने को मिले मिलेंगे जिन्होंने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है और उस जगह पे काफ़ी सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हो रही है जहाँ पे गांव वाले पुलिस के सामने रिवोल्ट लेके खड़े हुए हैं यानी कि विद्रोह करके खड़े हुए हैं लेकिन उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है मोटिव क्या है वो सभी चीज़ें अलग हैं तो इस फिल्म में काफ़ी सारे लेयर्स देखने को मिलते हैं जो कहानी है उसके अंदर भी काफ़ी लेयर्स है तो उन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर एक्टर सभी रिषभ सेट्टी है सिवा के रोल में वो काफ़ी दमदार नजर आ रहे थे उन्होंने एक परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई इमोशनली से लेकर एक्शन सीक्वेंस तक थ्रू आउट द फिल्म उनका काम पसंद आएगा कॉमेडी टाइमिंग फिल्म में काफ़ी बढ़िया है एक करोड़ रस्टिक का आपको वातावरण देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है वो बढ़िया है इनिशियल पहला जो एक घंटा रहता है वहाँ पर कॉमेडी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है क्लाइमेक्स में जो रक्सरी सबसे टीका जो परफॉर्मेंस है वो आपको स्पीचलेस कर देगा जहाँ पे एक फाइट सीक्वेंस जो क्लाइमेक्स पोशन में सेट किया हुआ है वो आपका दिमाग घुमा देगा फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता रहता है जहाँ पे कोई भी स्लो मोमेंट देखने को नहीं मिलता है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी अच्छी थी अरेस्टिंग विजुअल से वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में कुछ फनी सीन्स क्रिएट किए हुए ऋषभ शेट्टी और उनकी गेंग के साथ वो अच्छा कॉमेडी क्रिएट करते हैं लव ट्रैक है ऋषभ शेट्टी सप्तमी गौड़ा का उसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम क्या हुआ है उनके पार्ट का उन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है इसके अलावा अच्युत कुमार किशोर कुमार जैसे बेहतरीन आर्टिस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं जिनको एक अच्छा खासा रोल दिया गया था अपने रोल के साथ पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए नजर आते एक्शन फिल्म के काफ़ी हाई है सोलिड है जिसको आपको देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा फिल्म की जो प्रोसीडिंग है एंटायर प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूँ वह रोमिनर में की गई है वो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म में आपको काफी ज्यादा घुस मोमेंट्स बम्प वाले मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जो एक मास मोमेंट्स के साथ दिखाए हुए फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पे भी ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस फिल्म को जिस तरह फर्स्ट हाफ में हैंडल किया हुआ था उसके बाद में जब फिल्म सेकंड हाफ़ में आती है तो थोड़ी डल हो जाती है थोड़े समय के लिए लेकिन वो थोड़े समय के लिए रहता है बाकी उसके बाद ये फिल्म फिर से पिकअप ले लेती है और क्लाइमेक्स आपको ज़रूर पसंद आएगा ओवरऑल फिल्म आपको थोड़ी बहुत प्रिडिक्टेबल लग सकती है लेकिन इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि वो उतना कुछ मैटर नहीं करता है ये फिल्म पूरी तरह से आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म को जरूर पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था थोड़ा लव स्टोरी वाला एंगल है थोड़े कुछ अननेसेसरी सीन्स है फ्रेंड्स के बीच उसको चॉप आउट किए जा सकते थे वैसे टेक्निकली ये फिल्म काफ़ी ब्रिलियंट है जहाँ पे इस फिल्म का म्यूजिक है वो काफ़ी शानदार है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे जिस तरह जो सीन थे उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से और इफ़ेक्टिव बना रहा था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है किसी बिग बजट फिल्म को भी पीछे छोड़ दे इस तरह की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म में विजुअल्स आपको जरूर पसंद आएंगे हर एक फ्रेम को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है रस्टिक नेचर देखने को मिलता है सभी चीज़ों को सिनेटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है विलेज और फॉरेस्ट के लोके को काफी रियलिस्टिक रखा हुआ है रिश्भ सेट्टी का जो डरेक्शन है वो काफी बढ़िया है उन्होंने फर्स्ट हाफ को इंटरेस्टिंग मैनर में नेरेट किया हुआ तो सेकंड हाफ में स्टार्टिंग में ठीक ठीक फिल्म थी उसके बाद में एंड में तो उनका ही परफॉर्मेंस फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है इस फिल्म में आपको कर्नाटक का जो ट्रेडिशन है कल्चर है वो कोस्टल कर्नाटक का दक्षिण कर्नाटक का वो देखने को मिलता है जिसको बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है सभी को ये सभी चीजें पसंद आएगी तो कांतारा क्रस्टिक विले ड्रामा फिल्म है जो सभी टाइप की ऑडियंस को पसंद आएगी जहाँ पे ग्रीटिंग मैनर का नेरेशन आपको जरूर इम्प्रूव करेगा इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से जो वो सभी मोमेंट है वो सभी चीजें हैं जिसका मिश्रण बैलेंस वे में किया हुआ है जिस वजह से फिल्म सभी को पसंद आएगी इस फिल्म के अब रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते हैं तीस सितंबर 2022 को इस फिल्म को कनाडा वर्जन में रिलीज किया गया था 16 करोड़ के बजट के साथ उसके बाद में इस फिल्म को करीबन 10-15 दिनों के बाद 14 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में वहीं पे 15 अक्टूबर को तेलुगु और तमिल वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था वहीं पे मलयालम वर्ज़न में उसको 20 अक्टूबर 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था हिंदी वर्जन को जब रिलीज़ किया गया तब करीबन पूरे कंट्री में हिंदी वर्जन के आठ के करीब स्क्रीन्स लगे हुए थे लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया उसके चलते फिल्म के स्क्रीन्स पच्चीस से तीन तक कर दिए गए थे इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर ए फिल्म थे वहीं पर तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर गीता थे वहीं तमिल डिस्ट्रीब्यूटर ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थे और पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने मलयालम वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को रिलीज़ किया गया काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे इस फिल्म ने बुक माई शो के ऊपर 99 परसेंट की रेटिंग हासिल की हुई थी साठ वोट पे और ऐसा होने वाली ये फिल्म, पहली फिल्म थी उस वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को आई पे करीबन तीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें नौ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे, पे काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करते हुए धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने स्लो स्टार्ट लिया हुआ था सिर्फ कनाड़ा वर्जन में फिल्म को रिलीज किया गया था साढ़े करोड़ के आसपास का पहले दिन का कलेक्शन आया था उसका अगर ग्रोथ कर तो छः करोड़ के आसपास का होता है उसके बाद में इस फिल्म का जो वीकेंड था वो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था उसके बाद में इस फिल्म ने पहले मंडे के दिन चार करोड़ का कलेक्शन किया उसके बाद में डे बाय डे फिल्म ने ग्रोथ लेता रहा छठे दिन फिल्म ने करीबन आठ से नौ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पहला वीक काफ़ी बढ़िया तरीके से 40-45 करोड़ का लिया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म डे बाय डे कलेक्शन बढ़ाती रही उसके बाद में 10-15 दिनों के बाद इसके सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलगू मलयालम कन्नड़ा वर्जन भी एड होते गए जिसकी वजह से ये फिल्म 15-16 करोड़ के बजट के सामने सत्रह अठारह दिनों में एक करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करती हुई नज़र आई जहाँ पर एक ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने कन्नड़ा वर्जन में कन्नड़ा लैंग्वेज में हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में जो लिस्ट है उसमें अपना के ऊपर टॉप की लिस्ट में एंट्री ले ली थी जहाँ पे इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से दूसरे वर्जन में भी कलेक्शन किए हुए जहाँ पे हिंदी वर्जन तेलुगु वर्जन खास करके बढ़िया वर्क कर गए जहाँ पे हिंदी वर्जन को एक दिन पहले रिलीज किया गया था तो उस वर्जन ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था हिंदी वर्जन में फिल्म को वैसे डिसेंट स्क्रीन दिए गए थे एक डिसेंट हाइप थी पहले दिन करीबन रिसप से टी ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं था हिंदी मार्केट में लेकिन उसके बावजूद पहले दिन फिल्म ने करीबन एक करोड़ सत्ताईस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन दो करोड़ पचहत्तर लाख का किया हुआ था संडे के दिन फिल्म ने तीन करोड़ पचास लाख का ग्रोस कलेक्शन किया साढ़े सात करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन कर... सॉरी नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में एक अच्छा खासा कलेक्शन किया <laughs> वहीं पे तेलुगु वर्जन में इस फिल्म ने पहले दिन कुछ साढ़े चार करोड़ के आसपास दूसरे दिन कुछ पाँच करोड़ के आसपास ऐसे कलेक्शन करते हुए दस करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन किया और दो ही दिनों में इस फिल्म ने डबल ब्लॉक बस्टर का टेक हासिल कर लिया क्योंकि ब्रेक इवन टारगेट बहुत कम रखा गया था तो उस वजह से कांतारा फिल्म हिंदी और तेलुगु वर्जन में भी अच्छी तरह से वर्क कर गई और फिलहाल में वो मंडे टेस्ट भी पास कर चुकी है तो ये फिल्म और भी लंबा रन लेने वाली है सभी वर्जन में वो सामने दिवाली आ रही है तो ये फिल्म अच्छा खासा एक ग्रोथ हासिल करेगी और एक अच्छा खासा कलेक्शन करके के जाएगी करीबन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस फिल्म का दो सौ करोड़ के आसपास का हो सकता है तो बस गायज कांतारा फिल्म काफी बढ़िया वर्क कर चुकी है तो ये फिल्म आप कहाँ पे कैसे सेटेलाइट ओटीटी पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए हैं सभी वर्जनस के करीबन साठ से सत्तर करोड़ के आसपास में तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रन के बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तेलुगू तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहाँ पे कन्नडा मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है उसके थिएट्रिकल रिलीज के करीबन छः सात महीनों के बाद ये सभी वर्जन आपको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टी चैनल मूवीज टी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे टेलीविजन के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कांतारा फिल्म आपको ओ पे अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी थिएट्रिकल

जिसको सिर्फ कर्नाटक में रिलीज़ किया गया था कन्नड़ा वर्जन में और उसके बाद में फिल्म ने जैसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया तो ये फिल्म डे बाय डे बेहतरीन कलेक्शन करती हुई नज़र आई थी कर्नाटक बॉक्स ऑफिस के ऊपर उसके बाद में ये फिल्म दूसरे रीजन दूसरे लैंग्वेज में फेमस होने लग गई लोगों के बीच में जिस वजह से इस फिल्म के दूसरे अलग अलग वर्जन जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम वर्जन के लिए मांग की गई और बाद में मेकर्स ने इस फिल्म को दूसरे वर्जन में डब करते हुए थिएट्रिकल रिलीज़ के करीब 10-15 दिनों के बाद दूसरे सभी वजन को रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है ऋषभ शेट्टी ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले सभी उनका है फिल्म का डायरेक्शन भी ऋषभ शेट्टी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात कर तो विजय किरंग दुर जिन्होंने इस फिल्म को हम्बाले फिल्म के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने इससे पहले के और के जी जैसी फिल्मों को रिलीज़ किया हुआ था तो एक बड़, एक बड़े प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को करीबन सोलह करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के जो का कन्नाडा वर्जन के जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है वो हम्बाले फिल्म ने अपने ही पास रखे हुए थे वहीं पे दूसरे दूसरे सभी वर्जनस के लिए इस फिल्म के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए ए फिल्म्स थी तेलुगु वर्जन के लिए गीता आर्ट्स मलयालम वर्जन के लिए पृथ्वीराज प्रोडक्शन तमिल वर्जन के लिए ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स तो ये चार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जिन्होंने इन चार डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को रिलीज़ करवाया हुआ था सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो ऋषभ सेट्टी सप्तमी गौडा रोल में देखने को मिलेंगे किशोर अच्युत कुमार प्रमोद सेट्टी सनील गुरु प्रकाश सुमिन नांद आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे इनके अलावा मानसी सुधीर नवीन डी पाटिल स्वराज शेट्टी दीपक राज पन्नाजे प्रदीप सेट्टी रक्षित रामचंद्रन शेट्टी चंद्रकला राव पुष्पक राज बोलारा रघु पंडेश्वर राव पुष्पक राज बोल्लुरू मीम रामदास मासुमा कडगू रंजन साजू राजीव शेट्टी आतिश सेट्टी राधा कृष्णा कुम्बाले और नवीन बोन्डले ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे साइन सेट्टी विनय बिडप्पा और प्रगति ऋषभ शेट्टी आपको इस फिल्म में कैमियो अपीरियंस में देखने को मिलने वाली है तो ये फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए अरविंद एस कश्यप ने एडिटिंग किए हुए के एम प्रकाश और प्रतीक सेट्टी ने जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म ढाई घंटे की देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में बी अद्श लोकनाथ ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म की कहानी को कोविड टाइम के दौरान लिखा हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि नेचर और ह्यूमन के बीच की थीम को लेकर हम एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट बना रहे पहले इस फिल्म को स्पेशली कर्नाटक के लिए ही बनाया गया था कनाडा वर्जन के लिए लेकिन जिस तरह से फिल्म पॉपुलर हुई उस वजह से दूसरी लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था जहाँ पर इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती जो संस्कृत ओरिजिन है इसके अलावा इस फिल्म में कनाडा को यूज़ किया गया जो अलग अलग होस्टल कर्नाटक है वहाँ का जो एक त्यौहार है उसके ऊपर फिल्म को दिखाया हुआ है इसके अलावा भूता कोला जो होता है उसके ऊपर सभी चीज़ों को फिल्म में दिखाया हुआ है तो इन सभी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को नाइन्टी सेवेंटी नाइन्टी नाइन्टीज नाइन्टी नाइन्टीज़ के एट्टीन नाइन्टी इन सभी चीज़ों के बीच में इन सभी टाइमलाइन के बीच में बताया हुआ है तो जिस वजह से इस फिल्म में आपको काफी अलग अलग, अलग लोकेशंस देखने को मिलते हैं अलग अलग कॉस्ट्यूम डिजाइन देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके से सेट डिजाइन देखने को मिलेंगे तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है 1890 तक, कि अट्ठारह से लेकर उन्नीस तक यानी कि 100 सालों का समय अंतरार फिल्म में अलग अलग टाइम पे दिखाया हुआ है तो फिल्म में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक विलेज में शूट किया हुआ था केराड़ी विलेज के पास में कुछ पंद्रह लोगों को क्र्यू था जहाँ पे इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवाया हुआ था अब हम बात करें म्यूजिक के ऊपर तो इस फिल्म में टोटल छः गाने हैं। जहाँ पे इन छः गानों को जैसे कि तुल्लो वर्जन भी इसमें शामिल है जिसके राइट से वो हम्बाले म्यूजिक और ए फिल्म्स वालों ने ख़रीदे हुए थे वहीं पे कन्नड़ा तमिल तेलुगू मलयालम सभी वर्जन में इन गानों को डब किया हुआ था जिसको कंपोज किया हुआ था बेदनी शलोकनाथ ने इस फिल्म के गानों के लिए तीस से चालीस म्यूजिशियन का यूज़ किया गया था ये सभी गाने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ जा रहे थे जहाँ पर दो में इनको रिकॉर्ड किया गया था पंद्रह अगस्त दो को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पे सभी वर्जन में अवेलेबल क्या हुआ था तो वहाँ से आप एंजॉय कर पाओगे वहीं पे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के कैरेक्टर्स के ऊपर तो ऋषभ शेट्टी ने कडू बेट्टू शिवा और शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है सत्यमणि गौडा ने इस फिल्म में लीला का रोल प्ले किया हुआ है किशोर ने मुरलीधर का रोल प्ले किया हुआ था जो डिप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे अच्युत कुमार ने देवंत तो देवेंद्र सुतारू का रोल प्ले किया हुआ है प्रमोद शेट्टी ने सुधाकर का रोल प्ले किया हुआ है सानिल गुरु ने बुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश थुमिनान ने इस फिल्म में रामपा का रोल प्ले किया हुआ है मानसी सुधीर ने कमला यानी कि सेवा की मां का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नवीन डी पाडिल ने इस फिल्म में लोयर का रोल प्ले किया हुआ है सौरज शेट्टी ने गुरुआ का रोल प्ले किया हुआ था जो शिवा के कजिन ब्रदर थे वहीं पर दीपक राय पानाजा ने इस फिल्म में सुंदरा का रोल प्ले किया हुआ था प्रदीप शेट्टी ने मोहाना का रोल प्ले किया हुआ था इस तरह से सभी आर्टिस्ट ने अलग अलग रोल को प्ले किया हुआ था कहानी के ऊपर बातचीत करते इस फिल्म की कहानी 1847 से स्टार्ट होती है जहाँ पे कुडुंगपुर विलेज में कहानी को सेट किया हुआ है कर्नाटक का एक विलेज है जहाँ का एक किंग है अपने एरिया का जो एक किंग है वो अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं है उसकी लाइफ में कोई शांति पीस नहीं है तो इन सभी चीज़ों के लिए वो काफ़ी रास्ते में निकल पड़ता है ढूंढने के लिए तो किसी एक दिन उसको एक जंगल में जाके एक ऐसी चीज़ एक शांति मिलती है जिसकी वजह से कुछ ऐसे उस शांति की वजह से वो गांव वालों के साथ कुछ ऐसी डील करता है जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है जो गांव का एरिया है वो उनको गांव वालों को दे देगा उसके बदले वो उसको वो पीस मिल जाएगी तो इन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से उन्होंने किया जिस वजह से उनको वो पीस मिल गई शांति मिल गई उसके बाद में नाइन्टीज का समय बताया जाता है जहाँ पे किंग का जो बेटा है यानि कि उनके जो वंशज हैं वो ज़मीन को फिर से हत्याने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो बाद में मर जाता है उसके बाद में एक और किंग के वंशज को बताया जाता है जिसको काफ़ी अच्छा इंसान बताया जाता है जहाँ पे वो कहानी है वो नाइन्टीन नाइन्टीज में सेट है और उस नाइनटीन नाइन्टीज़ की कहानी में ऋषभ सेट्टी आपको देखने को मिले मिलेंगे जिन्होंने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है और उस जगह पे काफ़ी सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हो रही है जहाँ पे गांव वाले पुलिस के सामने रिवोल्ट लेके खड़े हुए हैं यानी कि विद्रोह करके खड़े हुए हैं लेकिन उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है मोटिव क्या है वो सभी चीज़ें अलग हैं तो इस फिल्म में काफ़ी सारे लेयर्स देखने को मिलते हैं जो कहानी है उसके अंदर भी काफ़ी लेयर्स है तो उन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर एक्टर सभी रिषभ सेट्टी है शिवा के रोल में वो काफ़ी दमदार नजर आ रहे थे उन्होंने एक परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई इमोशनल से लेकर एक्शन सीक्वेंस तक थ्रू आउट द फिल्म उनका काम पसंद आएगा कॉमेडी टाइमिंग फिल्म में काफ़ी बढ़िया है एक करोड़ रस्टिक का आपको वातावरण देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है वो बढ़िया है इनिशियल पहला जो एक घंटा रहता है वहाँ पर कॉमेडी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है क्लाइमेक्स में जो रक्सरी सबसे टिका जो परफॉर्मेंस है वो आपको स्पीचलेस कर देगा जहाँ पे एक फाइट सीक्वेंस जो क्लाइमेक्स पोशन में सेट किया हुआ है वो आपका दिमाग घुमा देगा फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता रहता है जहाँ पे कोई भी स्लो मोमेंट देखने को नहीं मिलता है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी अच्छी थी अरेस्टिंग विजुअल थे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में कुछ फनी सीन्स क्रिएट किए हुए ऋषभ शेट्टी और उनकी गेंग के साथ वो अच्छा कॉमेडी क्रिएट करते हैं लव ट्रेक है ऋषभ शेट्टी सप्तमी गौड़ा का उसको रिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम क्या हुआ है उनके पार्ट का उन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है इसके अलावा, कुमार, कुमार जैसे आर्टिस्ट भी आपको देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा फिल्म की जो प्रोसीडिंग है एंटायर प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूँ वह रोमिनर में की गई है वो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म में आपको काफी ज्यादा गुस्स मोमेंट्स बम्प वाले मोमेंट्स देखने को मिलते हैं एक मास मोमेंट्स के साथ दिखाए हुए फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पे भी ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ में हैंडल किया होता है उसके बाद में जब फिल्म सेकंड हाफ़ में आती है तो थोड़ी डल हो जाती है थोड़े समय के लिए लेकिन वो थोड़े समय के लिए रहता है बाकी उसके बाद ये फिल्म फिर से पिकअप ले लेती है और क्लाइमेक्स आपको ज़रूर पसंद आएगा ओवरऑल फिल्म आपको थोड़ी बहुत प्रिडिक्टेबल लग सकती है लेकिन इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि वो उतना कुछ मैटर नहीं करता है ये फिल्म पूरी तरह से आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म को जरूर पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था थोड़ा लव स्टोरी वाला एंगल है थोड़े कुछ अननेसेसरी सीन्स है फ्रेंड्स के बीच उसको चॉप आउट किए जा सकते थे वैसे टेक्निकली ये फिल्म काफ़ी ब्रिलियंट है जहाँ पे इस फिल्म का म्यूजिक है वो काफ़ी शानदार है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे जिस तरह जो सीन थे उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से और इफ़ेक्टिव बना रहा था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है किसी बिग बजट फिल्म को भी पीछे छोड़ दे इस तरह की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म में विजुअल्स आपको जरूर पसंद आएंगे हर एक फ्रेम को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है रस्टिक नेचर देखने को मिलता है सभी चीज़ों को सिनेमेटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है विलेज और फॉरेस्ट के लोकेस को काफी रियलिस्टिक रखा हुआ है रिश्व का जो डिरेक्शन है वो काफी बढ़िया है उन्होंने फर्स्ट आपको इंटरेस्टिंग मैनर में नेरेट किया हुआ तो सेकंड स्टार्टिंग में ठीक ठीक फिल्म थी उसके बाद में एंड में तो उनका ही परफॉर्मेंस फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है इस फिल्म में आपको कर्नाटक का जो ट्रेडिशन है कल्चर है वो कोस्टल कर्नाटक का दक्षिण कर्नाटक का वो देखने को मिलता है जिसको बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है सभी को ये सभी चीजें पसंद आएगी तो कांतारा क्रस्टिक विले ड्रामा फिल्म है जो सभी टाइप की ऑडियंस को पसंद आएगी जहाँ पे ग्रीटिंग मैनर का नेरेशन आपको जरूर इम्प्रूव करेगा इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से जो वो सभी मोमेंट है वो सभी चीजें हैं जिसका मिश्रण बैलेंस वे में किया हुआ है जिस वजह से फिल्म सभी को पसंद आएगी इस फिल्म के अब रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते हैं तीस सितंबर 2022 को इस फिल्म को कनाडा वर्जन में रिलीज किया गया था 16 करोड़ के बजट के साथ उसके बाद में इस फिल्म को करीबन 10-15 दिनों के बाद 14 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में वहीं पे 15 अक्टूबर को तेलुगु और तमिल वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था वहीं पे मलयालम वर्जन है उसको 20 अक्टूबर 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था हिंदी वर्जन को जब रिलीज़ किया गया तब करीबन पूरे कंट्री में हिंदी वर्जन के आठ के करीब स्क्रीन्स लगे हुए थे लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया उसके चलते फिल्म के स्क्रीन्स पच्चीस से तीन तक कर दिए गए थे इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर ए फिल्म थे वहीं पर तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर गीता आर्थ थे वहीं पे तमिल डिस्ट्रीब्यूटर ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थे और पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने तमाम मलयालम वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को रिलीज किया गया काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहाँ पे इस फिल्म ने बुक माय शो के ऊपर 99% की रेटिंग हासिल की हुई थी 60000 वोट पे और ऐसा होने वाली यह फिल्म पहली फिल्म थी उस वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को आईएमडी पे करीबन तीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें नौ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करते हुए धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने स्लो स्टार्ट लिया हुआ था सिर्फ कनाड़ा वर्जन में फिल्म को रिलीज किया गया था साढ़े तीन करोड़ के आसपास का पहले दिन का कलेक्शन आया था उसका अगर ग्रोथ कर रहे तो छः करोड़ के आसपास का होता है उसके बाद में इस फिल्म का जो वीकेंड था वो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था उसके बाद में इस फिल्म ने पहले मंडे के दिन चार करोड़ का कलेक्शन किया उसके बाद में डे बाय डे फिल्म ने ग्रोथ लेता रहा छठे दिन फिल्म ने करीबन आठ से नौ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पहला वीक काफ़ी बढ़िया तरीके से 40-45 करोड़ का लिया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म डे बाय डे कलेक्शन बढ़ाती रही उसके बाद में 10-15 दिनों के बाद इसके सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा वर्जन भी एड होते गए जिसकी वजह से ये फिल्म 15-16 करोड़ के बजट के सामने सत्रह अठारह दिनों में एक करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करती हुई नज़र आई जहाँ पर एक ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने कन्नड़ा वर्जन में कन्नड़ा लैंग्वेज में हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में जो लिस्ट है उसमें अपना उप, तेलुगु वर्जन वर्जन्स खास करके बढ़िया वर्क कर गए जहाँ पे हिंदी वर्जन को एक दिन पहले रिलीज किया गया था तो उस वर्जन ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफी बढ़िया कलेक्शन किया हुआ था हिंदी वर्जन में फिल्म को वैसे डिसेंट स्क्रीन दिए गए थे एक डिसेंट हाइप थी पहले दिन करीबन रिसप सेट्टी ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं था हिंदी मार्केट में लेकिन उसके बावजूद पहले दिन फिल्म ने करीबन एक करोड़ सत्ताईस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन दो करोड़ पचहत्तर लाख का किया हुआ था संडे के दिन फिल्म ने तीन करोड़ पचास लाख का ग्रोस कलेक्शन किया साढ़े सात करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन कर सॉरी नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में अच्छा खासा कलेक्शन किया वहीं पे तेलुगु वर्जन में इस फिल्म ने पहले दिन कुछ साढ़े चार करोड़ के आसपास दूसरे दिन कुछ पाँच करोड़ के आसपास इसे कलेक्शन करते हुए दस करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन किया और दो ही दिनों में इस फिल्म ने डबल ब्लॉक बस्टर का टेक हासिल कर लिया क्योंकि ब्रेक इवन टारगेट बहुत कम रखा गया था तो उस वजह से कांतारा फिल्म हिंदी और तेलुगु वर्जन में भी अच्छी तरह से वर्क कर गई और फिलहाल में वो मंडे टेस्ट भी पास कर चुकी है तो ये फिल्म और भी लंबा रन लेने वाली है सभी वर्जन में वो सामने दिवाली आ रही है तो ये फिल्म अच्छा खासा एक ग्रोथ हासिल करेगी और एक अच्छा खासा कलेक्शन करके जाएगी करीबन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस फिल्म का 200 करोड़ के आसपास का हो सकता है तो बस गाय कांतारा फिल्म काफ़ी बढ़िया वर्क कर चुकी है तो ये फिल्म आप कहाँ पे कैसे सैटेलाइट ओटीटी पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए सभी वर्जनस के करीबन साठ से सत्तर करोड़ के आसपास में तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रन के बाद अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहाँ पे कन्नडा मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है उसके थिएट्रिकल रिलीज के करीबन छः सात महीनों के बाद ये सभी वर्जनस आपको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टीवी चैनल मूवीज टी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे टेलीविजन के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कांतारा फिल्म आपको ओ टी टी पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी थिएट्रिकल रिलीज के दो तीन महीनों के बाद कांतारा नाम के साथ तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे कन्नड़ा मेन वर्जन वर्जन है है बाकी सभी वर्जन है। तो इस तरह से कांतारा कांतारा फिल्म आप OTT और के ऊपर कर पाओगे कांतारा, जो 2022 के इंडियन कन्नड़ा लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म है इस फिल्म को कन्नड़ा लैंग्वेज में बनाया गया था बाकी सभी वर्जन में डब करके थिएटर में रिलीज किया गया था इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है एक कन्नड़ा लैंग्वेज मीडियम टू लो बजट फिल्म थी जिसको सिर्फ कर्नाटक में रिलीज़ किया गया था कन्नड़ा वर्जन में और उसके बाद में फिल्म ने जैसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल किया तो ये फिल्म डे बाय डे बेहतरीन कलेक्शन करती हुई नज़र आई थी कर्नाटक बॉक्स ऑफिस के ऊपर उसके बाद में ये फिल्म दूसरे रीजन दूसरे लैंग्वेज में फेमस होने लग गई लोगों के बीच में जिस वजह से इस फिल्म के दूसरे अलग अलग वर्जन जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम वर्जन के लिए मांग की गई और बाद में मेकर्स ने इस फिल्म को दूसरे वर्जन में डब करते हुए थिएट्रिकल रिलीज़ के करीब 10-15 दिनों के बाद दूसरे सभी वजन को रिलीज़ किया हुआ था इस फिल्म की कहानी को लिखा हुआ है ऋषभ शेट्टी ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रीन प्ले सभी उनका है फिल्म का डायरेक्शन भी ऋषभ शेट्टी ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो विजय किरंगदुर जिन्होंने इस फिल्म को हम्बाले फिल्म के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है जिन्होंने इससे पहले के जी एफ़ और के जी एफ़ टू जैसी फिल्मों को रिलीज़ किया हुआ था तो एक एक बड़े प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था जहाँ पे इस फिल्म को करीबन सोलह करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था फिल्म के जो कनाडा कन्नाडा वर्जन के जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है वो हम्बाले फिल्म ने अपने ही पास रखे हुए थे वहीं पे दूसरे दूसरे सभी वर्जनस के लिए इस फिल्म के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर चूज़ किए गए थे जहाँ पे हिंदी वर्जन के लिए ए फिल्म्स थी, तेलुगु वर्जन के लिए गीताट्स मलयालम वर्जन के लिए पृथ्वीराज प्रोडक्शन तमिल वर्जन के लिए ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स तो ये चार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जिन्होंने इन चार डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस फिल्म को रिलीज करवाया हुआ था सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है स्टार कास्ट के ऊपर बातचीत करें तो ऋषभ सेट्टी सप्तमी गौड़ा रोल में देखने को मिलेंगे किशोर अच्युत कुमार प्रमोद सेट्टी सनील गुरु प्रकाश सुमिन नांद आपको इस फिल्म इंपॉर्टेंट किरदार में देखने को मिलेंगे इनके अलावा मानसी सुधीर నవీన్ డీ పాది స్వరాజ శెట్టి దీపక రాజ పన్నజే प्रदीप शेट्टी रक्षित रामाचंद्रन शेट्टी चंद्रकला राव पुष्पक राज बोलारा रघु पंडेश्वर राव पुष्पक राज मीम रामदास मासुमा कड़गु रंजन साजू राजीव शेट्टी आतिश सेट्टी राधा कृष्णा कुम्बाले और नवीन बोंडेले ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे साइन सेट्टी विनय बिडप्पा और प्रगति ऋषभ शेट्टी आपको इस फिल्म में कम्यूपीरियंस में, में देखने को मिलने वाली है तो ये फिल्म की कुछ प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी किए हुए अरविंद एस कश्यप ने एडिटिंग किए हुए के एम प्रकाश और प्रतीक सेट्टी ने जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म ढाई घंटे की देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में बी अद्श लोकनाथ ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर तो ऋषभ सेट्टी ने इस फिल्म की कहानी को कोविड टाइम के दौरान लिखा हुआ था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि नेचर और ह्यूमन के बीच की थीम को लेकर हम एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट बना रहे पहले इस फिल्म को स्पेशली कर्नाटक के लिए ही बनाया गया था कनाडा वर्जन के लिए लेकिन जिस तरह से फिल्म पॉपुलर हुई उस वजह से दूसरी लैंग्वेज में फिल्म को डब किया गया था जहाँ पे इस फिल्म में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती जो संस्कृत ओरिजिन है इसके अलावा इस फिल्म में कनाडा को यूज़ किया गया है जो अलग अलग कोस्टल कर्नाटक है वहाँ का जो एक त्यौहार है उसके ऊपर फिल्म को दिखाया हुआ है इसके अलावा भूता कोला जो होता है उसके ऊपर सभी चीज़ों को फिल्म में दिखाया हुआ है तो इन सभी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस फ़िल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म की कहानी को नाइन्टी सेवेंटी नाइन्टी 90s, नाइन्टी नाइन्टीज़ के 80, नाइन्टी इन सभी चीज़ों के बीच में इन सभी टाइमलाइन के बीच में बताया हुआ है तो जिस वजह से इस फिल्म में आपको काफ़ी अलग अलग लोकेशंस देखने को मिलते हैं अलग अलग कॉस्ट्यूम डिज़ाइन देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके से सेट डिज़ाइन देखने को मिलेंगे तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अट्ठारह से लेकर उन्नीस तक यानी कि सौ सालों का समय अंतरार फिल्म में अलग अलग टाइम पर दिखाया हुआ है तो फिल्म में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से एक विलेज में शूट किया हुआ था केराड़ी विलेज के पास में कुछ पंद्रह लोगों को क्रू था जहाँ पे इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से कम करवाया हुआ था अब हम बात करें म्यूज़िक के ऊपर तो इस फिल्म में टोटल छः गाने हैं, जहाँ पे इन छः गानों को जैसे कि तुल्लो वर्जन भी इसमें शामिल है जिसके राइट से वो हम्बाले म्यूजिक और ए फिल्म वालों ने खरीदे हुए थे वहीं पे कन्नडा तमिल तेलुगु मलयालम सभी वर्जन में इन गानों को डब किया हुआ था जिसको कंपोज किया हुआ था बेअनीश लोकनाथ ने इस फिल्म के गानों के लिए तीस से चालीस म्यूजिशियन का यूज़ किया गया था ये सभी गाने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ जा रहे थे जहाँ पे दो में इनको रिकॉर्ड किया गया था पंद्रह अगस्त दो को इन सभी गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर सभी वर्ज़न में अवेलेबल किया हुआ था तो वहाँ से आप जो एक कर पाओगे वहीं पे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के के कैरेक्टर्स ऊपर तो ऋषभ सेट्टी ने काडोबेट्टू शिवा और शिवा के फादर का रोल प्ले किया हुआ है सत्यवनी गोबड़ा ने इस फिल्म में लीला का रोल प्ले किया हुआ है किशोर ने मुरलीधर का रोल प्ले किया हुआ था तो जो डेप्यूटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे अच्युत कुमार ने देव देवेंद्र सुतारू का रोल प्ले किया हुआ है प्रमोद शेट्टी ने सुधाकर का रोल प्ले किया हुआ है सानिल गुरु ने बुल्ला का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश थमी ने इस फिल्म में रामपा का रोल प्ले किया हुआ है मानसी सुधीर ने कमला यानी कि सेवा की, की मां का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे नवीन डी पाडिल ने इस फिल्म में लोयर का रोल प्ले किया हुआ है सौरज शेट्टी ने गुरुआ का रोल प्ले किया हुआ था जो शिवा के कजिन ब्रदर थे वहीं पर दीपक राय पानाजा ने इस फिल्म में सुंदरा का रोल प्ले किया हुआ था प्रदीप शेट्टी ने मोहाना का रोल प्ले किया हुआ था इस तरह से सभी आर्टिस्ट ने अलग अलग रोल को प्ले किया हुआ था कहानी के ऊपर बातचीत करते इस फिल्म की कहानी 1847 से स्टार्ट होती है जहाँ पे कुडुंगपुर विलेज में कहानी को सेट किया हुआ है कर्नाटक का एक विलेज है जहाँ का एक किंग है अपने एरिया का जो एक किंग है वो अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं है उसकी लाइफ में कोई शांति पीस नहीं है तो इन सभी चीज़ों के लिए वो काफ़ी रास्ते में निकल पड़ता है ढूंढने के लिए तो किसी एक दिन उसको एक जंगल में जाके एक ऐसी चीज़ एक शांति मिलती है जिसकी वजह से कुछ ऐसे उस शांति की वजह से वो गांव वालों के साथ कुछ ऐसी डील करता है जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है जो गांव का एरिया है वो उनको गांव वालों को दे देगा उसके बदले वो उसको वो पीस मिल जाएगी तो इन सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से उन्होंने किया जिस वजह से उनको वो पीस मिल गई शांति मिल गई उसके बाद में नाइन्टीज का समय बताया जाता है जहाँ पे किंग का जो बेटा है यानि कि उनके जो वंशज हैं वो जमीन को फिर से हत्याने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन वो बाद में मर जाता है उसके बाद में एक और किंग के वंशज को बताया जाता है जिसको काफ़ी अच्छा इंसान बताया जाता है जहाँ पे वो कहानी है वो नाइन्टीन नाइन्टीज में सेट है और उस नाइन्टीन नाइन्टीज़ की कहानी में रिषभ सेट्टी आपको देखने को मिले मिलेंगे जिन्होंने शिवा का रोल प्ले किया हुआ है और उस जगह पे काफ़ी सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हो रही है जहाँ पे गांव वाले पुलिस के सामने रिवोल्ट लेके खड़े हुए हैं यानी कि विद्रोह करके खड़े हुए लेकिन उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है मोटिव क्या है वो सभी चीज़ें अलग हैं तो इस फिल्म में काफ़ी सारे लेयर्स देखने को मिलते हैं जो कहानी है उसके अंदर भी काफ़ी लेयर्स है तो उन सभी चीज़ों को डायरेक्टर ने बढ़िया तरीके से दिखाया हुआ है इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर एक्टर सभी रिशभ सेट्टी है शिवा के रोल में वो काफ़ी दमदार नजर आ रहे थे उन्होंने एक परफेक्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई इमोशनली से लेकर एक्शन सीक्वेंस तक थ्रू आउट द फिल्म उनका काम पसंद आएगा कॉमेडी टाइमिंग फिल्म में काफ़ी बढ़िया है एक करोड़ रिक आपको वातावरण देखने को मिलता है परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती है वो बढ़िया है इनिशियल पहला जो एक घंटा रहता है वहाँ पर कॉमेडी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है क्लाइमेक्स में जो रक्सरी रक्स टीका जो परफॉर्मेंस है वो आपको स्पीचलेस कर देगा जहाँ पे एक फाइट सीक्वेंस जो क्लाइमेक्स पोशन में सेट किया हुआ है वो आपका दिमाग घुमा देगा फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी एंगेजिंग स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता रहता है जहाँ पे कोई भी स्लो मोमेंट देखने को नहीं मिलता है प्रोडक्शन डिजाइन काफ़ी अच्छी थी अरेस्टिंग विजुअल थे वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किए हुए थे इसके अलावा इस फिल्म में कुछ फनी सीन्स क्रिएट किए हुए हैं ऋषभ शेट्टी और उनकी गेंग के साथ वो अच्छा कॉमेडी क्रिएट करते हैं लव ट्रैक है ऋषभ शेट्टी सप्तमी गौड़ा का उसको डिसेंट वे में हैंडल किया हुआ है एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम हुआ है उनके पार्ट का उन्होंने बखो भी काफी बढ़िया तरीके से निभाया हुआ है सोलिड कुमार, कुमार अच्छा है, है, है। जिसको आपको देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा फिल्म की जो प्रोसीडिंग है एंटायर प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूँ वो रो मिनर में की गई है वो आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म में आपको काफी ज्यादा गुस्स बम्प वाले मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जो एक मास मोमेंट्स के साथ दिखाए हुए फिल्म का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पे भी ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी इस फिल्म को जिस तरह से फर्स्ट हाफ में हैंडल किया होता है उसके बाद में जब फिल्म सेकंड हाफ़ में आती है तो थोड़ी डल हो जाती है थोड़े समय के लिए लेकिन वो थोड़े समय के लिए रहता है बाकी उसके बाद ये फिल्म फिर से पिकअप ले लेती है और क्लाइमेक्स आपको ज़रूर पसंद आएगा ओवरऑल फिल्म आपको थोड़ी बहुत प्रिडिक्टेबल लग सकती है लेकिन इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है कि वो उतना कुछ मैटर नहीं करता है ये फिल्म पूरी तरह से आपको जरूर पसंद आएगी इस फिल्म को जरूर पंद्रह मिनट जितना छोटा किया जा सकता था थोड़ा लव स्टोरी वाला एंगल है थोड़े कुछ अननेसेसरी सीन्स है फ्रेंड्स के बीच उसको चॉप आउट किए जा सकते थे वैसे टेक्निकली ये फिल्म काफ़ी ब्रिलियंट है जहाँ पे इस फिल्म का म्यूजिक है वो काफ़ी शानदार है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे जिस तरह जो सीन थे उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से और इफ़ेक्टिव बना रहा था इसके अलावा इस फिल्म में जिस तरह से प्रोडक्शन वैल्यू देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है किसी बिग बजट फिल्म को भी पीछे छोड़ दे इस तरह की सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म में विजुअल्स आपको जरूर पसंद आएंगे हर एक फ्रेम को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है रस्टिक नेचर देखने को मिलता है सभी चीज़ों को सिनेमाटोग्राफर ने अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है विलेज और फॉरेस्ट के लोग को काफी रियलिस्टिक रखा हुआ है ऋषभ सेट्टी का जो डिरेक्शन है वो काफी बढ़िया है उन्होंने फर्स्ट आपको इंटरेस्टिंग मैनर में नेरेट किया हुआ तो सेकंड आपने स्टार्टिंग में ठीक ठीक फिल्म थी उसके बाद में एंड में तो उनका ही परफॉर्मेंस फिल्म को एक अलग लेवल पर ले जाता है इस फिल्म में आपको कर्नाटक का जो ट्रेडिशन है कल्चर है वो कोस्टल कर्नाटक का दक्षिण कर्नाटक का वो देखने को मिलता है जिसको बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है सभी को ये सभी चीज़ें पसंद आएगी तो कांतारा क्रस्टिक विले ड्रामा फिल्म है जो सभी टाइप की ऑडियंस को पसंद आएगी जहाँ पे ग्रीटिंग मैनर का नेरेशन आपको जरूर करेगा इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से जो वो सभी मोमेंट है वो सभी चीज़ें हैं जिसका मिश्रण बैलेंस वे में किया हुआ है जिस वजह से फिल्म सभी को पसंद आएगी इस फिल्म के अब रिलीज के ऊपर बातचीत कर लेते हैं तीस सेप्टेम्बर दो को इस फिल्म को कनाडा वर्जन में रिलीज किया गया था सोलह करोड़ के बजट के साथ उसके बाद में इस फिल्म को करीबन 10-15 दिनों के बाद 14 अक्टूबर को हिंदी वर्जन में वहीं पे 15 अक्टूबर को तेलुगु और तमिल वर्जन में रिलीज़ किया गया था वहीं पे मलयालम वर्जन है उसको 20 अक्टूबर 2022 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था हिंदी वर्जन को जब रिलीज़ किया गया तब करीबन पूरे कंट्री में हिंदी वर्जन के आठ के करीब स्क्रीन्स लगे हुए थे लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ आया उसके चलते फिल्म के स्क्रीन्स पच्चीस से तीन तक कर दिए गए थे इस फिल्म के हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर ए फिल्म थे वहीं पर तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर गीता आर्थ थे वहीं डिस्ट्रीब्यूटर ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स थे और प्रोडक्शन ने मलयालम वर्जन के लिए फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था फिल्म को रिलीज किया गया काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला जहां पे इस फिल्म ने बुक माई शो के ऊपर 99% परसेंट की रेटिंग हासिल की हुई थी साठ हजार वोट पे और ऐसा होने वाली ये फिल्म, पहली फिल्म थी उस वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म को आई पे करीबन तीस हज़ार वोट मिले हुए जिसमें नौ पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से फिल्म को काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से जिस वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे, पे काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करते हुए धमाका मचाया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म ने स्लो स्टार्ट लिया हुआ था सिर्फ कनाड़ा वर्जन में फिल्म को रिलीज किया गया था साढ़े करोड़ के आसपास का पहले दिन का कलेक्शन आया था उसका अगर ग्रोथ कर तो छः करोड़ के आसपास का होता है उसके बाद में इस फिल्म का जो वीकेंड था वो करीबन तेईस करोड़ के आसपास का था उसके बाद में इस फिल्म ने पहले मंडे के दिन चार करोड़ का कलेक्शन किया उसके बाद में डे बाय डे फिल्म ने ग्रोथ लेता रहा छठे दिन फिल्म ने करीबन आठ से नौ करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन किया इस तरह से इस फिल्म ने पहला वीक काफ़ी बढ़िया तरीके से 40-45 करोड़ का लिया हुआ था उसके बाद में फ़िल्म डे बाय डे कलेक्शन बढ़ाती रही उसके बाद में 10-15 दिनों के बाद इसके सभी वर्जन जैसे कि तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ा वर्जन भी एड होते गए जिसकी वजह से ये फिल्म 15-16 करोड़ के बजट के सामने सत्रह अठारह दिनों में एक करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन करती हुई नज़र आई जहाँ पर एक ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने कन्नड़ा वर्जन में कन्नड़ा लैंग्वेज में हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में जो लिस्ट है उसमें अपना

पहले दिन करीबन सबसे सेटी वैसा कोई बड़ा नाम नहीं था हिंदी मार्केट में लेकिन उसके बावजूद पहले दिन फिल्म ने करीबन एक करोड़ सत्ताईस लाख का नेट कलेक्शन किया था दूसरे दिन दो करोड़ पचहत्तर लाख का किया हुआ था संडे के दिन फिल्म ने तीन करोड़ पचास लाख का ग्रोस कलेक्शन किया साढ़े सात करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन कर सॉरी नेट कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने हिंदी वर्जन में एक अच्छा खासा कलेक्शन किया <laughs> वहीं पे तेलुगु वर्जन में इस फिल्म ने पहले दिन कुछ साढ़े चार करोड़ के आसपास दूसरे दिन कुछ पाँच करोड़ के आसपास इसे कलेक्शन करते हुए दस करोड़ के आसपास का ग्रोथ कलेक्शन किया और दो ही दिनों में इस फिल्म ने डबल ब्लॉक का टेक हासिल कर लिया क्योंकि ब्रेक इवन टारगेट बहुत कम रखा गया था तो उस वजह से कांतारा फिल्म हिंदी और तेलुगु वर्ज़न में भी अच्छी तरह से वर्क कर गई और फिलहाल में वो मंडे टेस्ट भी पास कर चुकी है तो ये फिल्म और भी लंबा रन लेने वाली है सभी वर्जन में वो सामने दिवाली आ रही है तो ये फिल्म अच्छा खासा एक ग्रोथ हासिल करेगी और एक अच्छा खासा कलेक्शन करके जाएगी करीबन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस फिल्म का 200 करोड़ के आसपास का हो सकता है तो बस गाय कांतारा फिल्म काफ़ी बढ़िया वर्क कर चुकी है तो ये फिल्म आप कहाँ पे कैसे सैटेलाइट ओटीटी पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं तो इस फिल्म के जो ओटीटी राइट्स है वो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए सभी वर्जनस के करीबन साठ से सत्तर करोड़ के आसपास में तो ये फिल्म आपको थिएट्रिकल रन के बाद अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहाँ पे कन्नडा मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है उसके थिएट्रिकल रिलीज के करीबन छः सात महीनों के बाद ये सभी वर्जनस आपको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग टी चैनल मूवीज टी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे टेलीविजन के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कांतारा फिल्म आपको ओ पे अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिलेगी थिएट्रिकल रिलीज के दो तीन महीनों के बाद कांतारा नाम के साथ तमिल तेलुगु, कनाडा मलयालम और हिंदी वर्जन में जहां पे कनाडा मेन वर्जन है बाकी सभी डब्ड वर्जन है तो इस तरह से कांतारा फिल्म आप ओटीटी और सेटेलाइट के ऊपर एंजॉय कर पाओगे तो बस गया कांतारा फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो बातें मिलेगी उसकी जानकारी दे दी है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है है फिल्म फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर प्रॉपर चर्चा करके दी हुई है फिल्म की स्टार कास्ट सपोर्टिंग कास्ट के बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपका वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू